So can I request you to please introduce yourself? And before you introduce, welcome to the platform, you know, where we all meet. हाँ जी प्रीति जी, आई एम वेदा हियर. सो आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग द प्रेजेंटेशन. तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ मैंने फाउंडेशन में, और एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का भी रोल निभाती हूँ. तो मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ साथ में, बट मोस्टली मैं मेंटल हेल्थ यू नो प्रैक्टिशनर हूँ जो प्रैक्टिस करती हूँ. और ऐसी जो जैसे ट्रेनिंग हो रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है मेंटल हेल्थ के अराउंड, मैं ये सब भी डिलीवर करती हूँ, ताकि जितने भी लोग हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज को सर्विस देते हैं, उनको थोड़ा सा जागरूकता मिले कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और उसके क्या पहलू होते हैं, और हम खुद को कैसे मानसिक तरह से स्वस्थ रख सकें, और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए हमें. तो ऐसी ट्रेनिंग में काफी बारी डिलीवर करती हूँ. ग्रेट ग्रेट वेदा, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म. वेदा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा मानस फाउंडेशन के बारे में बता दीजिए. मैं अपना अनम्यूट कर रही हूँ और कैमरा ऑफ कर रही हूँ. जब जब आप जो भी बोलेगा वो कैमरा ऑन कर लेगा और अपने आप को अनम्यूट कर लेगा. वेदा, ओवर टू यू. वेदा, ठीक है. मानस फाउंडेशन एक संस्था है जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम करती है और जेंडर पे भी काम करती है. कुछ लोग अगर दिल्ली में रहते होंगे, उन्होंने टैक्सीज और ऑटोज देखी होंगी जिनके पीछे लिखा होगा मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान. तो वो हमारा जेंडर प्रोग्राम है जहाँ पे हम सेफ स्पेसेस क्रिएट करते हैं औरतों के लिए, और वो प्रोजेक्ट निर्भया कांड के बाद शुरू हुआ था. बाकी हम मेनली मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा काम करते हैं. जैसे जो तिहाड़ जेल है, अगर आप जानते होंगे, वहाँ पे एक विमेंस कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हम लोग, हमारा मेंटल हेल्थ यूनिट है जहाँ पे हम अपनी मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करते हैं. हमारे खुद के ओपीडी क्लाइंट्स भी होते हैं. हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अभी हम इम्पैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ भी ट्रेनिंग्स करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, इसके क्या पहलू होते हैं. मानसिक स्वास्थ्य के अंदर जो थोड़ी थोड़ी और चीजें होती हैं, हम टीचर्स की ट्रेनिंग भी देते हैं. बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं स्कूल में, उनको जागरूकता देने के लिए और उनके उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में. आपने हाल ही में सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने का डिसीजन लिया. तो उसके बाद कल ही हमें पता चला कि एक 16 साल की बच्ची ने भी ऐसे करा. तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और हम प्रिवेंटेटिव काम करते हैं काफी ज्यादा, ताकि ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं वो रुक जाएं, उससे पहले उस व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाए, समर्थन मिल जाए, सहयोग मिल जाए. तो हमारा यही एम रहता है, ताकि हम पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ ये काम कर सकें और उनकी जब भी उन्हें ज़रूरत हो उनकी मदद कर पाएं, और ये देख पाएं कि अगर उनकी ज़िंदगी में, अगर उनके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ा गया है तो क्या गड़बड़ा गया है और कैसे मदद करी जाए उस व्यक्ति की. तो मानस फाउंडेशन मोटा मोटा काफी चीजों पे काम करता है. अगर मैं हर प्रोजेक्ट में जाऊंगी तो बहुत ज्यादा इंट्रिकेट हो जाएगा, मगर जितना मैं बता सकती थी मैंने बताया. नहीं नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ा सा ब्रीफ में, इसीलिए क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, यू नो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के साथ साथ. और आई थिंक प्रोजेक्ट पे काम करने से सबसे पहले, जैसे आज का हमारा टॉपिक ही यू नो आई एम इम्पोर्टेंट के ऊपर है, यू नो अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, इसलिए मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो सबके लिए इजी रहेगा. वी कैन कंटिन्यू नाउ. ग्रेट. मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ प्रीति जी? हाँ जी प्लीज, व्हाई नॉट. एक सेकंड, मैं अभी आपको आशिमा प्लीज एनेबल कर देना स्क्रीन शेयरिंग. और आपकी टीम से आप ही है वेदा या और भी कोई है यहाँ पे? हमारे साथ प्रणम्या है जो एक साइकोलॉजिस्ट है जो डौसा में काम करती है. वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ यूनिट है वो उसका प्रोजेक्ट देखती है. एंड आई थिंक हेजल मैम भी होंगी जो हमारा स्कूल प्रोग्राम देखती हैं. तो दो और लोग हैं मनस से जो ये यहाँ पे होंगे. प्रणम्या, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? प्रणम्या, वी कांट हियर यू, अनम्यूट योरसेल्फ. या हेलो सबको, मेरा नाम प्रणाम्या है और मैं दौसा में काम करती हूँ. मानस फाउंडेशन दौसा में एक फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है जिसका नाम है कैम्प.
which is a community action mental health program. So इसके अंदर भी हम लोग mental health के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारा जो approach रहता है वो community को include करते हुए approach रहता है. So there's a lot of awareness, मतलब जागरूकता बढ़ाना, जो ऑलरेडी यहाँ पे कितने समय से काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, यानी कि उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेन करना मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर. प्लस ऑब्वियसली जैसे कि हर जगह ओपीडी देखते हैं, जो लोगों को डायरेक्टली मेंटल हेल्थ कंसंट्रेशन यानी कि परामर्श की जरूरत है या चिकित्सा की जरूरत है, हम लोग उनकी भी नीड्स पूरी करने में हेल्प करते हैं. शायद नहीं है, बट मे बी शी विल ज्वाइन लेटर, कि वो बाद में आएंगी. प्लीज कंटिन्यू. हाँ जी, तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इसे इंटरैक्टिव रखें. तो जो हमारा फर्स्ट स्लाइड होगा, मैं उसमें चाहती हूँ कि अगर आप चैट बॉक्स में लिख पाए कि आपका क्या नजरिया है इस पे, तो उससे मुझे बहुत मदद होगी इस प्रेजेंटेशन को एक एक मार्गदर्शन देने के लिए. तो अगर आप थोड़ा सा चैट बॉक्सेस पे लिखे जो भी मैं सवाल कर रही हूँ, उससे इंटरैक्टिव भी बनेगा और आपको भी थोड़ा थोड़ा एंगेजमेंट लगेगा. और अगर कोई बोलना चाहता है अपने वीडियो के साथ, प्लीज प्लस वन लिख दीजिए ताकि मैं आपका नाम बोल सकूँ और फिर आप अपना वीडियो ऑन करके बोल सके. एक एक करके बोलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो. एक बार प्लीज रिपीट करना, अगर किसी को बोलना हो तो उसको क्या करना है, चैट बॉक्स पे क्या लिखना है? प्लस वन, बस प्लस वन लिखना है और मैं उनका नाम बोल दूंगी और फिर वो मैं नाम बोल के मैं बोल दूंगी कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर वो बोल सकते हैं. सुपर, आई थिंक ग्रेट. तो ये थोड़े से रूल्स हैं ताकि हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाए और बोरिंग ना हो ये मॉड्यूल कि मैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ और आप बस सुन रहे हो. वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग खुद भी कितने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए अपने फील्ड में, तो आई एम श्योर कि मैं आपसे कितना कुछ सीख सकती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही रहे और एकदम टीचिंग माहौल ना बने यहाँ पे. ठीक है, तो आज की अगर बात करें तो हम मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बात करेंगे, मगर सबसे पहले मैं एक दृश्य से स्टार्ट करना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि इस दृश्य में आप सबको, प्लीज चैट बॉक्सेस पे टाइप करिए अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आप सबको क्या दिख रहा है इस दृश्य में? यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है, आप सबको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस सीन में जो एक फोटो दिखाई गई है? कोई अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए. स्ट्रेस दोनों साइड पे है, हस्बैंड वाइफ किचन में बात कर रहे हैं, ये मिठाई का टेस्ट के बारे में, जी मिठाई का टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसा बना है, ये शायद शेयर कर रहे हो. हाँ, महिला और पुरुष बातें कर रहे हैं, खाने को लेकर नाखुशी है, डिस्कसिंग हो रही है, दोनों साइड पे स्ट्रेस है, आदमी स्ट्रेस लग रहा है, उसको मिठाई अच्छी नहीं लग रही है. टॉक हो रही है पर माहौल ठीक नहीं दिख रहा है. वुमन और मैन बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन एक कपल के बीच में हो रही है, खुशहाल कॉन्वर्सेशन नहीं लग रही है. पैसे मांग रहे हैं वाइफ से, वाइफ एंड हस्बैंड बात कर रहे हैं, दोनों स्ट्रेस लग रहे हैं, कंप्लेनिंग हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे हैं एक दूसरे से. कोई और कुछ बोलना चाहे? हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लग रहा है ये. हस्बैंड एंड वाइफ बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है. अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, पर इसी वजह से स्ट्रेसफुल लग रहा है. फिर पर वो लेडी जिसने बनाया है उसकी फीलिंग नहीं समझ रही है, स्ट्रेस है. काफी लोगों ने स्ट्रेस के बारे में बात करी है, मैं पूछना चाहूंगी इसके बाद कि तनाव क्या होता है. कोई सीरियस बात चल रही है, शायद लड्डू का टेस्ट गंदा है, टेंशन एंड एंगर है, हस्बैंड इज वरीड दैट मदर इन लॉ इज कमिंग.
कुछ और, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है, कोई और कुछ बोलना चाहता है माइक पे? अच्छा, तो काफी लोगों ने तनाव के बारे में बात करी, और आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। Yes. ठीक है, काफी लोगों ने तनाव के बारे में बात करी, ये तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो इट विल हेल्प। अच्छा, अब ठीक हो रही है? जी ठीक है। तो काफी लोगों ने तनाव के बारे में बात करी है यहाँ पे, और काफी लोगों ने अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस दिए हैं, तो ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आपने देखा कि एक दृश्य है मगर सबके नजरिए कितने अलग हैं। स्ट्रेस एक कॉमन नजरिया सब कह रहे हैं, और वो शायद अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी का जो समय चल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमें काफी स्ट्रेस दिख रहा है। मगर मैं इसी के बारे में बात करना चाहती थी कि जैसे हमने इस दृश्य के बारे में कहानी बनाई, अब सबने अपना अपना नजरिया दिया और एक कहानी बनाई, तो कितने अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अमर सिंह जी बात करना चाहते हैं इस पिक्चर के बारे में। हाँ जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको यदि ऐसे देखें, मतलब अलग अलग नजरिए से इसी पिक्चर को देख सकते हैं, यदि इसको पॉजिटिवली देखें तो ये लग रहा है कि जैसे दोनों किसी गंभीर विषय पे बातचीत कर रहे हैं। फिर यदि आज की सिनेरियो में देखें कि आजकल सिर्फ स्ट्रेस ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उस तरीके से देख के बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी बात पे हॉट डिस्कशन हो रहा है, मतलब। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में बताया जो मैं बोलना चाहती थी, कि एक ही दृश्य को देख के कितने लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। किसी को लग रहा है स्ट्रेस है, किसी को लग रहा है लड्डू के बारे में बात हो रही है, किसी को लग रहा है वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मदर इन लॉ आ रही है, खाने के बारे में बात चल रही है, दोनों के बीच में टेंशन है। तो एक ही दृश्य को लेके हमने कितने कितने अलग अलग कहानियां बनाई, वो हमारे मनोस्थिति पे डिपेंड करता है। हम कौन सी मनोस्थिति से आ रहे हैं, अभी हमारे विचार क्या चल रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आपने कहानी बताई, मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला कि अच्छा ठीक है, काफी लोग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस का माहौल तो पैदा हो ही गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि आपके अनुसार व्यक्ति को अगर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, तो उसके क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू होते हैं आपके हिसाब से, अगर किसी को खुशहाल जीवन में व्यतीत करना है तो? राहुल कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। यस मैम, तो मैं ये बोल रहा था कि एक ही व्यक्ति के अंदर भी कई तरह के विचार आते हैं। जैसे हम फर्स्ट बार देखे तो लगा कि मिठाई को लेके और डिस्कशन हो रहा है, फिर और फोकस किए तो लग रहा है कि तनाव हो रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति ने एक व्यक्ति के अंदर भी कई प्रकार के विचार आते हैं, उसको फिर फाइनल लॉक कैसे करते हैं? तो वही आई थिंक सुंदरता है हमारे मन की और हमारे विचारों की, कि हमारे को कई तरह के विभिन्न तरह के विचार आ सकते हैं एक ही चीज देख के। और जब हम कोई भी चीज देखते हैं और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि हस्बैंड वाइफ कौन है, क्या हो रहा है, उनके बच्चे हैं कि नहीं, वो हस्बैंड है वाइफ है भी कि नहीं, हमें नहीं पता, हमने बस मान लिया कि वो हस्बैंड वाइफ है। तो यही सुंदरता है इस चीज की कि हमारी जो भी मनोस्थिति होती है उससे बहुत इम्पैक्ट करता है कि हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, कैसे समझ रहे हैं किसी चीज को। तो जैसे आप लोगों ने इतना कुछ तनाव के बारे में बात करी, अभी माहौल जो है मानसिक माहौल पूरे देश का लोगों का काफी तनाव के ओर है,
क्योंकि आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, जॉब में परेशानियां आ रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, संक्रमण का बहुत डर है, तो काफी लोगों ने तनाव की बात करी। तो जो भी हमारी मनोस्थिति होती है हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, और हमारी जिंदगी में उस वक्त क्या चल रहा होता है उसके हिसाब से हम काफी कुछ इंटरप्रेट करते हैं अपने लाइफ में। आपने कभी नोटिस करा होगा, जैसे अगर आप बहुत गुस्से में हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं ट्रैफिक में, आपको ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्सा आएगा। तो मगर अगर आप घर से बहुत ही अच्छे मूड में निकले और आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, तो शायद आप इतना गुस्सा नहीं होंगे कि आप और गुस्सैल हो जाए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो कभी आपने नोटिस करा होगा कि कोई व्यक्ति फालतू में लड़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि शायद इससे पहले उसके साथ कुछ हुआ है जिससे उसका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ गया है, कुछ चीज हुई है जिससे जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गया है या एजिटेट हो गया है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और उसकी क्या मनस्थिति है और क्या समय चल रहा है अभी उसके उसके दिमाग में। तो मैं अभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके अनुसार व्यक्ति को खुशहाल जीवन में व्यतीत करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए उसके पास। प्लीज चैट बॉक्सेस में लिखिए या बात करिए, प्लस वन लिखिए, मैं जानना चाहती हूँ आपके हिसाब से कि क्या क्या पहलू होते हैं। कौन बोलना चाहेगा इस पे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर रुक्मिणी जी आप बोलिए। हेलो, हाय। एक्चुअली व्हाट आई फील इज कि हैप्पीनेस या अ हैप्पी लाइफ वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, मतलब फॉर इंडिविजुअल्स हैप्पीनेस में डिफर। इफ यू टॉक अबाउट मी देन आई वुड से फॉर मी happiness would mean a good family environment, good interpersonal relationship, good health, a livelihood, and also to be able to do what you want or what you're passionate about. That would bring happiness to me. But obviously the meaning of happiness would differ from people to people. For some people it's more material things that would mean happiness. For some it would mean money, for some it would mean happy family life. But I think a mixture of good health, good family environment, and to be able to pursue what you want to do, and of course livelihood, would mean happiness. Thank you. Completely agree with you. I think सबसे ज्यादा ये डिफर करेगा हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि खुशी का मतलब और एक खुशहाल जीवन का मतलब सबके लिए अलग होगा। मैं थोड़े से रिस्पॉन्सेस पढ़ती हूँ। तो किसी ने लिखा कि कर्जा ना हो, अमर सिंह जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक एक दो पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सबसे पहले तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखना, लाइटली लेना, ये सब कुछ बिंदु है। यदि आप इस पे मेरे ख्याल से चले तो आपका जीवन खुशहाल है। हाँ जी। किसी ने बोला मानसिक शांति और गरिमापूर्ण जीवन, आपस में प्यार, spend good time with family and friends, share everything with reliable people, adjustment and understanding, take care of everyone, give respect to everyone, love of wife and husband is very important for happiness, state of mind, finding balance between work and life, family support for each other, positive perception, spend good time with family, good quality time, to be able to do what he or she wants, freedom of doing. हाँ, तो ये आपने बहुत सारे पहलू बताए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, फैमिली सपोर्ट, स्टेट ऑफ माइंड, पीसफुल एनवायरनमेंट, अ सेफ स्पेस टू वेंट। मतलब मैं आपके रिस्पॉन्सेस से इतनी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन बाकी लोगों से पूछा है तो हमेशा वो लोग बोलते हैं कि आर्थिक तरह से
अच्छा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, परिवार ठीक होना चाहिए, काम में दिल लगना चाहिए, मगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और पीस ऑफ माइंड के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और आप सब काफी ज्यादा जागरूक हैं इसके बारे में, और मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में. गुड अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग एनवायरनमेंट, इग्नोर स्मॉल थिंग्स, स्पेंड क्वालिटी टाइम, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. ठीक है, तो आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया है, उनका जो बेंट है वो टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ कम होता है और काफी और चीजों पे ज्यादा होता है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इसके बारे में बात करी. तो अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, आप लोगों ने पीस ऑफ माइंड के बारे में बात करी, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करी, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, हैप्पीनेस के बारे में बात करी है, तो आपके हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? अगर मैं एक चीज बोल एक अगर मैं ये शब्द यूज करती हूँ मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य, आपके हिसाब से वो क्या होता है? बीइंग हैप्पी इन व्हाट वी हैव, बीइंग हैप्पी विद वनसेल्फ, और क्या क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य के अंदर? हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है? जब बोल सकते हैं प्लीज. आई कांट हियर यू प्रीति जी, बोलिए फिर से. हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जब एक इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है और कंट्रोल कर पाता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है. अगर चाहे वो हैप्पी हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जेलेसी हो, यू नो, हर एक इमोशन को समझकर एक्सप्रेस करना और उसको कंट्रोल करना किस एक हद तक, उसको मेरे को मुझे ऐसा लगता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है. तो आपने इमोशंस की बात की जो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंडर मेंटल हेल्थ कि हम अपने. हाँ जी बोलिए. मैं ऐड करना चाहूंगा, जब कोई भी बंदा अपना रिएक्टिव मोड को स्टॉप करके रेस्पॉन्सिव मोड में जब आ जाता है, वो मेंटली ज्यादा कंट्रोल रहता है. कि एक इंसान, एक व्यक्ति अपने एक्शंस के बारे में सोच के वो एक्शन करे तो बेहतर होगा, एज अपोज टू बस रिएक्ट करते रहे. बाकी लोगों ने काफी लिखा है कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस. फिट बॉडी, वन हैज अ फिट माइंड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इमोशनल वेलबींग. आपने रिएक्शन के बारे में बात करा. रितु पांडे कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए. मेंटल, आपका प्रश्न क्या था? कि मानसिक, अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो कैसा दिखेगा? मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक स्वस्थ वो है जिसके अंदर कोई भी चीज को सुनकर उसका रिएक्शन प्रॉपर करना, उसके अंदर पेशेंस हो, उसके अंदर वो कैपेसिटी हो, वो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस हो जो सामने वालों को अपने बातों से कन्विंस कर सके. और ऐसे कोई भी ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें वो बहुत ही कूलली मैटर को हैंडल कर सके, उसी को हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने काफी पेशेंस और यू नो मैनेजिंग एंगर के बारे में बात करी. या एंड कॉन्फिडेंस आल्सो, द पर्सन हैव वेरी कॉन्फिडेंट टू रिस्पोंस देयर मींस द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग दे विल दे हैव टैकल बाय देमसेल्व्स इन अ वेरी कूल मैनर. मैं भी कुछ कहना चाह रहा था. हाँ जी बोलिए. मैं, मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य होता है कि जो हमारा सुपर ईगो या हमारा ओवर कॉन्फिडेंस या एकदम लो कॉन्फिडेंस, दोनों के बीच का जो मैनेजमेंट है कि हम कॉन्फिडेंटली कोई बात को, चीजों को, अपना बात को रख पाए, वो मुझे लगता है वो मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा बेहतर दिखा पाएगा. कि मैं लो होऊंगा तो भी तो शायद मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूंगा, और सुपर ईगो या ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो भी मैं बातों को अलग तरीके से रिएक्ट करूंगा. तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग की या मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि बैलेंस रह के वस्तु स्थिति को देखते हुए किसी चीज पे रिएक्ट कर पाए, वो मानसिक स्वास्थ्य है.
ठीक है, आपने बैलेंस की बात करी कि ना हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके बात करें ना हम बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट होके बात करें. फिर किसी ने लिखा है, इफ यू टेक अ डिसीजन इन एनी कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट देन वी कैन से द पर्सन इज मेंटली फिट. कि अगर आसपास के जो कॉन्टेक्स्ट है, जो चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से हम अगर डिसीजन लें तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान मानसिक तरह से, मानसिक रूप से स्वस्थ है. टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज कॉल्ड मेंटल स्ट्रेस, मेंटल सेल्फ रिस्पेक्ट से मेंटल स्ट्रेस कम होता है. इफ ही कैन एक्सप्लेन हर, इफ ही कैन एक्सप्लेन देयर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन एवरी सिचुएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे अगर अभी हम ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग का भी एक प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आप रिप्लाई कर रहे हो, काफी लोग प्लस वन लिख रहे हैं, काफी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो ये एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया है इस सिचुएशन में. अब जैसे इस सिचुएशन में कोई बैठ के वीडियो ऑन करके खाना खाने लग जाए तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा हमें कि ट्रेनिंग चल रही है, हम थोड़ा कुछ नया सीख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यहाँ पे काफी चर्चा चल रही है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में. और अगर कोई सडनली खाना खाने लगे तो हमें लगेगा अरे ये तो कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे. तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिएक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, कुलदीप जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैम, मेंटल हेल्थ जैसे आप कह रहे हो कि कैसे कह सकती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो मैम पहले तो मुझे भी ये लगता था कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसको हम देख रहे हैं अगर वो हंस के बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, वेल बिहेव्ड है, तो जो भी सारे पॉइंट्स है वो अगर ऐसे दिख रहा है हमको तो वो मेंटली फिट है. बट अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है, अभी जो आप बता रहे 16 ईयर ओल्ड गर्ल जो स्टार थी उसका हुआ है, तो इन सब केसेस के बाद ऐसा लगता है कि यार इनको किस चीज की कमी थी, वेल्थ, हेल्थ, नाम, फेम सब कुछ था इनके पास मैंने, लेकिन फिर भी इन्होंने इनके और इनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये मेंटली स्ट्रेस्ड है या मेंटली अनफिट है, बट वो लोग मेंटली अनफिट हुए, प्रूव हुए जो उन्होंने सुसाइड किया उस वजह से लगता है. तो कुछ कह नहीं सकते, बाहर से देख के हम कह नहीं सकते हैं कि वो मेंटली फिट है या नहीं है. मेरे हिसाब से आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है वो शायद इतना ज्यादा उभर के ना आए किसी के सामने. किसी को शायद पता ना चले कि हम उदास हैं या हमें किसी भी तरह का मानसिक विकार है या हमें किसी भी तरह की मानसिक दिक्कत हो रही है. शायद वो इतना इजिली आइडेंटिफाइबल ना हो, शायद वो इतनी इजिली दिखे ना. एंड स्पेसिफिकली अभी जो इंस्टेंसेस हुए हैं जो हमने देखे हैं कि हमें नहीं पता था कि एक व्यक्ति जिसका मतलब जिस हमारे हिसाब से जिसकी लाइफ काफी संपूर्ण थी उसने सोचा कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो वो काफी लोगों के लिए काफी बड़ा शॉक था. मगर अगर शायद हम उससे थोड़ा जानते, पूछते, बात करते तो शायद हमें पता चलता कि वो किस समय से गुजर रहा था, किस दिक्कत से गुजर रहा था, उसका मानसिक स्वास्थ्य किस ओर पे था, तो शायद हम समझ पाते. बट बिकॉज मानसिक स्वास्थ्य दिखता नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि किसी और की जिंदगी में क्या चल रहा है. सादिक जी कुछ बोलना चाहते हैं? तो मैम मेरा एक कंसर्न ये था कि जैसे आप बात कर रहे थे कि मेंटली स्ट्रेस को कैसे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो सिंपली जो मेरा थॉट है वो ये है कि अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक हमारा स्टाफ था उसके अंकल थे तो बहुत प्रॉपर्टी था, खुद का फ्लैट था, व्हाटएवर जो भी था, तो उन्होंने भी सादिक भाई थोड़ा जोर से बोले, कोई सुशांत जैसा एक आत्महत्या की थी. तो मेरा मानना यह है कि अगर बंदा सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर जान जाए कि जो इज्जत, जो चीजें मैं अपने लिए चाहता हूँ वो अगले के लिए मैं दूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा आपने कि हम एक दूसरे के और किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारा क्या व्यवहार है एक दूसरे की ओर, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमें कैसा लग रहा है.
अगर सब एक दूसरे से हमेशा गुस्से में, हमेशा तनाव में, हमेशा झगड़े करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, या एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत लोगों को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अगर हम दूसरों को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे हम ट्रीट होना चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, तो शायद हम ऐसी चीजें रोक सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग देके, एक दूसरे का साथ देके, और एक दूसरे को थोड़ी समझने की कोशिश करके। किसी ने लिखा है, मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। हाई एक्सपेक्टेशंस की बात करी है किसी ने, स्पेशली आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, कि शायद एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाती हैं खुद से और दूसरे लोगों की हमारे से। स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत होता है, जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, स्कूल में परफॉर्म करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। If a person reacts well according to the situation, it is very important to be able to talk about how you are feeling without being judged. हाँ जी रुक्मणी जी, आपने बहुत important point बोला है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनके सामने हमें कोई हिचकिचाहट ना हो अपना अपने मनस्थिति के बारे में बात करने के लिए, अपने लाइफ के बारे में बात करने के लिए, अपने इमोशंस के बारे में बात करने के लिए, अपने थॉट्स के बारे में बात करने के लिए, कि हमारे जो सोच विचार और व्यवहार है उसे कोई जज नहीं कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम बिल्कुल जजमेंट फ्री होके एक्ट कर सकते हैं, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने काफी बात करी कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, चलिए थोड़ा जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के क्या पहलू होते हैं WHO के हिसाब से। आई थिंक आप सभी को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, तो उन्होंने कुछ पहलू बताए हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और मानसिक स्वास्थ्य के डेफिनेशन के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि जब भी हम सुनते हैं मानसिक स्वास्थ्य, हम सोचते हैं ओ मानसिक बीमारी, या लोग जिन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। मैं ये थोड़ा सा ब्रेक करना चाहती थी आपके लिए कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक बीमारी की कमी नहीं होती है, कि इस व्यक्ति को मानसिक बीमारी नहीं है तो ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना मतलब कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम जैसे मेरे लिए मेरी क्षमता है कि दिन में अगर मैं 4 सेशन ले पाती हूँ, तो मैं 4 सेशन ले पा रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा थकान या बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है वो 4 सेशन लेने में। या अगर मैं दिन में 2 ट्रेनिंग कर सकती हूँ तो मैं 2 ट्रेनिंग कर पा रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा थकान या दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है उसे करने में। तो जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं। जो रोजमर्रा के तनाव होते हैं जैसे ऑफिस जाना, काम करना, घर के काम देखना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मैनेज करना, जो रोजमर्रा के तनाव होते हैं उनसे हम जूझ पा रहे हैं, हम कोप कर पा रहे हैं उनसे, हम प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं, हम लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकते हैं, और लास्टली हम समाज की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम योगदान कर रहे हैं। जो आप लोग वैसे ही कर रहे हैं एज यू नो सोशल वर्कर्स, जब आप काम कर रहे हैं फील्ड में, कम्युनिटी सेक्टर में, एंड स्पेशली विद गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, तो आप कहीं ना कहीं योगदान भी दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, यू गिविंग समथिंग बैक। तो ये 4 पहलू हैं हम, और इन 4 पहलू होने के बाद हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। प्रणम्या, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं थोड़ा सा प्रणम्या का भी जानना चाहूंगी कि वो कुछ बोलना चाहती है कि नहीं इसके बारे में। प्रणम्या? आई थिंक यू आपने मोस्टली जो भी पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए। बट आई थिंक जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट उपयोगी रूप से काम करना, सो इट मींस कि आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या दूसरे लोग यूज कर सकते हैं? डू यू थिंक दैट आप समटाइम्स हम लोग काम कर रहे होते हैं, वी आर एबल टू बी प्रोडक्टिव, लेकिन रिपोर्ट्स में गलतियाँ होना, सिली मिस्टेक्स, आप अगर घर का काम कर रहे हैं तो आप चपाती बना रहे हैं लेकिन आपकी चपाती जल रही है, एंड
you're not able to cook well. So that means आप उपयोगी रूप से इतना काम नहीं कर पा रहे. That means your efficiency, आपकी जो efficiency है, that is reduced. And yeah, बाकी pretty much I think you आपने सब cover कर दिया. I think ये बहुत अच्छा example है कि कभी कभी इन छोटी चीजों से हमें दिख सकता है कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है, कि हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, या हम काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, या हम घर के कामों में जो बहुत हमारे लिए एकदम ऑटो मोड पे चलते थे, हम ऑटोमेटिकली ये चीजें करते थे, मगर अब वो ठीक नहीं हो रही हैं. तो अब हमें लग रहा है कि ये जो चीजें मैं कर पा रहा था या मैं कर पा रही थी, अब हमें दिक्कत हो रही है, ज्यादा थकान हो रही है, ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है. तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमें ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं. तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा प्रणम्या ने. मैं आपसे अब एक और सवाल पूछना चाहूंगी. क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को याद कर सकते हैं अपने जीवन में जिसको आप जानते हैं, जिसको मानसिक विकार हो? आपको क्या लगता है कि ये समस्याएं कितनी आम है? आप जानते हैं किसी के, कोई भी मतलब फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स? प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करिए. अगर आप जानते हैं तो प्लीज यस लिखिए या नो लिखिए, या अगर कोई बात करना चाहता है इसके बारे में कि अगर आपने मानसिक रोग देखा है कभी खुद. यस, राहुल जी ने बोला है यस. यस, अमर जी ने बोला है यस. कोई बात करना चाहेगा कि आपने कभी किसी को देखा है जिसको मानसिक तरह का विकार हो, रोग हो? Anyone who would like to share? अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मानसिक विकार होना कितना आम है? हाँ जी, बोलिए बोलिए. मैंने अपने साथ में काफी लोगों को देखा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित रहे हैं, और हम फील्ड में भी देखते भी हैं. और अगर मैं अगर मानसिक स्वास्थ्य को जितना समझता हूँ, उससे मुझे लगता है कि हम लोग सब कहीं ना कहीं मानसिक इलनेस के कहीं ना कहीं हम शिकार होते ही हैं, लेकिन हम रिएक्ट करना जानते हैं, इसलिए लोग बाग हमको नॉर्मल समझते हैं. लेकिन मेरा यह मानना है कि हम अगर बातचीत करें तो 100% लोग बाग कहीं ना कहीं उस परेशानी से ग्रसित रहते हैं, और हम समय समय पर उसको कभी ना कभी हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं या उसको बैलेंस कर लेते हैं. लेकिन जैसे एक उदाहरण मैडम ने अभी दिया था कि जैसे मैं गोल चपाती नहीं बना पा रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से मेरा मेंटल स्ट्रेस है जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को प्रोवाइड करेगा, कि बाकी लोग बहुत अच्छी गोल रोटी बना पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना पा रहा. तो वो भी एक हमारे लिए प्रेशर होती है. जैसे रिपोर्ट का भी उन्होंने कहा, तो कहा कि हाँ भाई, रामचंद्र जी ने तो रिपोर्ट भेज दी, मैं तो नहीं भेज पा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो प्रेशर हो रहा है. तो वो भी मेरे मानसिक स्वास्थ्य को असर करेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल तक देखने की जरूरत है. क्योंकि कई बार जब हम इस तरीके से जब बातचीत करते हैं, तो कई दफे हम ये भूल जाते हैं कि उसका अपना लेवल है. जो आपने शुरुआत में कहा भी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो करेगा. लेकिन हम उसको हमेशा बातचीत करते हैं कि भाई ये बच्चा तो ए ग्रेड लेके आ रहा, तुम तो कैसे नालायक बच्चे हो, तुम तो ग्रेड ही नहीं लेके आ पा रहे, तुम फेल हो. तो उसको उल्टा और हम मानसिक इलनेस की तरफ हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बजाय हम उबारने के. तो वो भी हमको देखने की जरूरत है कि कई बार हम किस तरीके से इस मानसिक स्थिति को देखते हैं, और हमको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, और हम जाने अनजाने में ही उसको और स्ट्रेस में डाल देते हैं. थैंक यू. आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है कि जब हम देखते हैं कि किसी का कैपेसिटी इतनी है, किसी की क्षमता इतनी है, और हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं खुद से या उस व्यक्ति से, तो हम उसे कहीं ना कहीं मानसिक रोग या मानसिक विकार की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं कि बेटा, आपकी कैपेसिटी तो इतनी है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप 99% लाएं. और शायद उस बच्चे की कैपेसिटी है कि वो 80% ला सके, मगर हम चाहते हैं कि नहीं, वो 99% पे ही परफॉर्म करे, या हम चाहते हैं कि हम सारे काम कर लें एक दिन में. मतलब अगर हमने जो भी हमने हफ्ता का जो काम सोचा है, हम चाहते हैं कि हम वो एक दिन में पूरे कर लें. तो जब हम इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अपने से रखते हैं या किसी और से, तो मानसिक तरह से, मानसिक रूप से दिक्कतें आना, परेशानियां आना काफी आम बात है. किसी ने लिखा है, मुझे लगता है कि आसपास ही लोग रहते हैं, पर वो विश्वास नहीं करते कि मानसिक स्वास्थ्य है,
हर काम में परफेक्ट होने की सोच इसको बढ़ावा दे रही है. Yes, I have seen and observed there are so many people going through it. It's just that we don't take a note and we don't realize. तो हमने देखा है, हमने शायद सोचा भी है, मगर हमने रियलाइज नहीं करा कि शायद इन्हें मानसिक विकार हो या मानसिक रोग हो. तो मैं थोड़ा से आंकड़े आपको बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा शायद पता चलेगा कि ये कितनी आम बात है. तो WHO के हिसाब से भारत में एक में से चार जैसे चार में से एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोई व्यवहारिक या मानसिक रूप से दिक्कत हो रही है. तो मानसिक विकार होने की चांसेस है. भारत में जीवन काल के दौरान एक व्यक्ति के डिप्रेशन होने की संभावना 9% है. तो ये काफी हाई स्टैटिस्टिक है, 9% होना डिप्रेशन होने की संभावना. 69% लोगों को जिन्हें तनाव या डिप्रेशन है उन्हें ये डर लगता रहता है कि उन्हें पागल समझा जाएगा. और 55% जो लोग हैं उन्हें लगता है कि जिन्हें जो तनाव से पीड़ित हैं या तनाव से जुड़े कोई मानसिक रोग से पीड़ित हैं उनके जीवन में बिल्कुल ही नहीं या बहुत कम करीबी लोग दोस्त रिश्तेदार हैं. युवा आत्महत्या के लिए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है. और 70 मिलियन लोग भारतीय लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से पीड़ित हैं. तो अगर आप ये आंकड़े देखें ये काफी ज्यादा दर्शाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जुड़ी दिक्कतें कितनी ज्यादा आम हैं. और हमें शायद पता भी नहीं होगा कि किसी को मानसिक रोग है. जैसे सुशांत सिंह राजपूत की भी बात करें तो हमें नहीं पता था कि उसको मानसिक रोग है. और ये इसकी वजह से भी होता है क्योंकि लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते. जैसे हमने देखा कि वो उन्हें लगता है कि बाकी लोग समझेंगे कि हम पागल हैं. और 55% लोग ये जो आंकड़ा है जो तनाव से जुड़े विकारों से पीड़ित हैं उनके जीवन में बहुत कम या ना के बराबर करीबी दोस्त या रिश्तेदार हैं. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस आंकड़े के बारे में क्या लगता है? थोड़ा सा कोई बात करना चाहेगा कि जिन लोगों को मानसिक रूप से कोई दिक्कत हो रही है उनकी जिंदगी में उनके जीवन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनके करीब हैं. इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये. कोई बात करना चाहेगा इसके बारे में? मैम फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा. 55% लोग जो तनाव और उससे जुड़े विकारों से पीड़ित हैं उनके जीवन में कम या ना के बराबर करीबी दोस्त या रिश्तेदार हैं. मैम मैं एक ऐसे ही पर्सन को पता नहीं उनको मानसिक मतलब स्वस्थ बोलेंगे या नहीं, बट जितना है कि एक मेरे साथ में मेरे एक साथी थे जो अक्सर अपने रिश्तेदारों या फिर अपने फ्रेंड से बहुत ही कम बात करते थे वो, और अक्सर इस तरह के उलझनों में रहते हैं वो कि खुद में खोया रहना या फिर कोई भी मतलब अजीब तरीके से बिहेव करना और अचानक से तुरंत से गुस्सा हो जाना. हाँ. और तुरंत से किसी भी बात पे नाराज हो जाना. हाँ. पता नहीं इसको उस श्रेणी में रखेंगे या नहीं. हाँ जी. तो हाँ जी आपने काफी अच्छा पॉइंट रेज करा. एक तो है कि जब हमें मानसिक तरह की दिक्कत होती है हम ऐसे भी दिख सकते हैं उसे, हमें ऐसे भी दिख सकती है कि वो व्यक्ति अपने आप में रहने लग गया है और दूसरों से बातचीत करना कम हो गया है, गुस्सैल हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, दूसरों से एकदम अलग हो गया है. तो मानसिक रोग कुछ इस तरह से भी दिखता है. अनुज जी बात करना चाहते हैं. जी बोलिए. अनुज जी अनुज श्रीवास्तव जी बोलिए. अच्छा प्रवीण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं. बोलिए. मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम जो आपका प्रश्न था कि
कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है या उनके अपने कोई करीबी लोग नहीं है जो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि उनके साथ कोई सुनने वाला नहीं है, उनका कोई अपना नहीं है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में तो सिस्टम ये है कि हम जब भी किसी से शेयरिंग करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि ये मुझे ही उल्टा चार बात सुनाने वाले हैं कि तुमको ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी, तुम ही बेवकूफ थे, तुमको ऐसा करना था, तो वो धीरे धीरे डरते हैं। और उनको एक बड़ा डर जो होता है कि हमारे सोसाइटी में हमेशा प्रेशर होता है कि मुझे हमेशा अच्छे बने हुए दिखना है, तो लोगों को ये तो नहीं पता चल जाएगा कि मैं तो अपनी घर को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, या मैं अपना परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, या मैं टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये सब जब बातचीत होती तो उसे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं लोबा मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे और चार जगह कहीं मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे, तो इसलिए वो धीरे धीरे लोगों से कटता चला जाता है। और हमारे यहाँ भी बातचीत होती कि जब भी हम किसी से कोई बात शेयरिंग करते हैं तो पहले वो उसकी बात सुनने, कई दफे वो ये भी चाह रहा होता कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो, रास्ता तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन सुनते ही हम उसको सजेशन देना शुरू करते हैं, आधी अधूरी उसने बोलना ही शुरू किया उसके पहले हम सजेशन देना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए भी कई दफे वो अपनी शेयरिंग धीरे धीरे बंद कर देता कि मेरी बात तो सुनने वाले है नहीं, उल्टा मुझे ही ब्लेम करने वाले हैं और चार और मुझे सजेशन मिल जाएंगे, तो वो धीरे धीरे वापिस अपने ही में आत्मकेंद्रित होने लगता है और धीरे धीरे सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा आपने कि हम काफी बार डरते भी हैं किसी को अपनी दिक्कतें समस्याएं शेयर करने से, कि हमें वो कमजोर ना समझे, हमें वो कम ना समझे, हमें वो ऐसे ना समझे कि ये तो काम नहीं कर पा रहा है। और कई बार हम अपने कलीग्स और हम अपने लोगों से नहीं बात कर पाते जो हमारी समस्याएं हैं, और हमें हमेशा ये लगता रहता है कि हमारी जो क्षमता है उस पर सवाल ना उठ जाए कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ये तो कमजोर है, या ये तो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो हम डरते हैं कि ऐसा कलंक ना लग जाए हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर या हमारे काम के ऊपर। प्रवीण पहल जी कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने कह दिया मैडम। अच्छा, रहमान जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए जी। इस पे मुझे भी एक पॉइंट शेयर करना था, जैसे प्रवीण जी ने कहा तो ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है, दूसरी साइड ऐसा भी होता है, मैंने कई जगह नोटिस भी किया है लोगों को, कि जैसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और मतलब कंसिस्टेंटली उसके साथ कुछ ना कुछ होता जा हो रहा है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स या सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, और वो अपने दोस्तों से या अपने जानने वालों से या जिनको वो क्लोज मानता है उनसे शेयर करता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ते हो गए और ऐसे टाइम बीतता जाता है, तो लोग जिनके साथ वो शेयर करता है उनको ये लगता है कि यार इसका तो रोज का है, ये तो हमेशा ऐसी ही बातें करता है, और ये तो मतलब बिकॉज दे ट्राई टू गिव देयर ओपिनियन, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता या उसके समझ में नहीं आती या उसके लिए वो फिट नहीं बैठता, मतलब हम जब अपना ओपिनियन देते हैं तो हमारे हिसाब से तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, बट देन जो बंदा उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है उस वी डोंट पुट आवर फीट इन हिज शूज राइट, तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि वो धीरे धीरे लोग उससे कटने लग जाते हैं, इस वजह से वो भी फिर लोगों से कटना शुरू कर देता है, एंड दैट लाइक increases the problem. I think बहुत अच्छे points raise करे आपने कि बहुत बारी जब दिक्कत हो रही होती है किसी व्यक्ति को, हम उसके नजरिए से देखने के बजाय हम अपने नजरिए से देखते हैं कि हम कैसे हैंडल करेंगे ये चीज, और हम आपने बहुत बार सुना होगा अगर कोई आपको आके दिक्कत समझाता है अपनी तो हम बोलते हैं पॉजिटिव रहिए, मगर मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि अगर किसी को डिप्रेशन है, अगर किसी को एंग्जायटी है, अगर किसी को कोई मानसिक तरह का रोग है, उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है। हमने तो अपना ज्ञान दे दिया कि आप पॉजिटिव रहिए, मगर उस व्यक्ति को अब ये लगा कि हल्दी वल्दी होता है ना, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग बता दो। हाँ जी, तो हमने तो उसको अपना ज्ञान दे दिया कि अब आप पॉजिटिव रहिए, मगर उस व्यक्ति को शायद बहुत दिक्कत आ रही है पॉजिटिव थॉट्स लाने में, सकारात्मक सोच रखने में, सकारात्मक भावनाओं
को एक्सपीरियंस करने में, हैप्पीनेस, लव, ग्रेटिट्यूड, ये जितनी भी सकारात्मक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको शायद सही में दिक्कत हो रही है इनको एक्सपीरियंस करने में. और हमने यहाँ पे अपना ज्ञान दे दिया उसे कि पॉजिटिव रहिए, आप बड़े नेगेटिव हैं. तो हमने क्या करा, उसी पे ब्लेम डाल दिया कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं इसलिए आपके साथ ये हो रहा है. तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो कटेगा आपसे. हाँ जी बोलिए. कभी कभी वो लोगों से दूर नहीं जाता, लोग उससे दूर होने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो अकेला रह जाता है. हाँ, कि बार बार एक ही प्रॉब्लम, कितनी बार समझाऊं मैं, कितनी बार बात करूं. आई थिंक रुक्मिणी जी ने एंड प्रीति जी ने ये बोला है कि डिप्रेशन उन लोगों को भी हो सकता है जिनके पास फ्रेंड्स और फैमिली हो, विच इज कम्प्लीटली ट्रू. उन लोगों को भी हो सकता है जिनके पास फ्रेंड्स और फैमिली हो, बिकॉज डिप्रेशन की सिर्फ एक कॉज नहीं होते और इसमें हम जाएंगे, इट्स नॉट जस्ट वन कॉज. बट मैं ये आंकड़ा आपको इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि सोशल सपोर्ट, सामाजिक सहयोग एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है मेंटल हेल्थ रेजिलियंस में, कि हमारे अंदर कितनी रेजिलियंस है. सोशल सपोर्ट एक्चुअली उसे बढ़ावा देता है. जितना हम, अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली का, तो कम चांसेस हैं कि हमें कोई ना कोई मानसिक रोग हो, बिकॉज इट्स अ वेरी की फैक्टर इन रेजिलियंस. रेजिलियंस होता है कि हमारी क्षमता किसी भी चैलेंज या दिक्कत ले उससे जूझ पाने पे. प्रणम्या कुछ बोलना चाहती है, प्लीज से. मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी जो भी अबाउट सोशल सपोर्ट के अराउंड जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने शेयर किए हैं, दी इम्प्रेशन दैट आई गेट, मुझे जो समझ आया, द सेंस दैट आई गेट इज दैट हम लोग सब ये समझते हैं दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडरगोइंग मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस, जब किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से डिस्ट्रेस या मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो रही है, उनकी नीड्स, मतलब उनकी पर्सनल नीड्स, उनकी रिलेशनशिप नीड्स थोड़ी बदल जाती हैं. हो सकता है वो एक इंटीमेट स्पेस, एक सेफ स्पेस चाहते हैं, एक थेरेप्यूटिक स्पेस चाहते हैं, एक नॉन जजमेंटल स्पेस चाहते हैं, एक ओपननेस टू लिसनिंग चाहते हैं, दे वॉन्ट हीलिंग. एंड सडनली जब आप अपने नॉर्मल रिलेशनशिप से, फॉर एग्जाम्पल विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली, जो कि इस तरह के इंटरेक्शन के आदि नहीं है, जब आप सडनली उनके ऊपर लाइक सडनली उनसे आपका इक्वेशन उनके साथ इस तरीके से चेंज हो जाता है बिकॉज योर नीड्स हैव चेंज, सो दैट सॉर्ट ऑफ लीड्स टू अ डिस्कॉर्ड. वो आपका एक छोटा सा डिसएंगेजमेंट हो जाता है इन रिलेशनशिप, जब सामने वाले को भी लगता है कि ओ समथिंग रॉन्ग, या तो इसकी नीड्स बदल गई हैं, और आपको भी लगता है कि आगे वाला आपकी नीड्स कहीं मीट नहीं कर पा रहा है. एंड ऑफन ऐसी सिचुएशंस में जहाँ इन दैट टाइम व्हेन, जब आपका एक टफ टाइम चल रहा है, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग मेंटल डिस्ट्रेस, जब आपकी नीड्स थोड़ी बदल गई हैं, आप एक यू माइट नीड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, यू माइट नीड अ वेंटिंग सेशन, यू माइट नीड मल्टीपल ऑफ सच सेशंस, तो ऐसे के अंदर you know, this is where professional therapy or counseling or, you know, all of those things can come, where this is exactly what they cater to. Aapki ye jo needs, kuch time ke liye aapki ye jo needs badal gayi hain, unko adapt karne ke liye, this is what the therapeutic space basically offers. Yeah, this is what I wanted to add. Thank you. Sandeep ji, kuch bolna chahte hain. हाँ, ये आप ही के पॉइंट से ऐड कर रहा था जो आपने बोला और जो अभी इन्होंने बोला प्रणमिया ने. बेसिकली जब आ रहा है दी हम लोग आजकल के दौर में एंड द वे वी आर ओरिएंटेड, वो थोड़ी सी सुनने की क्षमता जो है वो लूज कर जाते हैं. एंड मोर ऑफन देन नॉट जो मैंने नोटिस किया है इसके साथ, कि जो पहली जड़ होती है, अ पर्सन आता है और वो इमोशनल या फिर वो एकदम एक यू नो ओवर एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में आता है, एंड उसको अपना वेंट आउट करने के लिए और अपने अंदर का वो जो है किसी भी फॉर्म में करने के लिए बहुत जरूरी है. और ये उस टाइम जरूरत ये होती है कि आप खुद रिएक्ट ना करें बट एक कंपैशनेट हेयरिंग कर दें, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट उसको अगर ये समझ में आ जाए भाई कोई मुझे सुन रहा है, someone is paying attention to me, I think it's a good place to start with at least. उसने अपने को unburden एक तरीका से कर दिया है. ये कई forms में ये पहले भी cover हुआ है, but just wanted to highlight कि एक बहुत responsible अगर हम ये सोच ले भाई कि listen ये आदमी, ये person, ये इसका व्यक्तित्व अभी हिला हुआ है, and
लेट हिम कम आउट इन टू दैट जीरो जोन, कि वो अपने अंदर का वो निकाल सके गुबार एक तरह से. एंड इन दैट प्रोसेस इटसेल्फ कई बार वो उसको खुद रियलाइजेशन आना शुरू हो सकता है कि हाँ मे बी आफ्टर सर्टन पॉइंट कि हाँ मे बी आई नीड टू डू इट डिफरेंटली. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. I think very good point about compassionate listening, that we need to be there for each other. एक दूसरे के को सुनने की जरूरत है, सिर्फ ये पूछ हाल पूछने की जरूरत नहीं है कि how are you, वो बोलेगा I'm fine, but how are you पूछ के वहाँ पे रह के उस बात को समझने की जरूरत है जो वो इंसान शायद बोल नहीं पा रहा है, शब्दों से express नहीं कर पा रहा है. तो actually asking how are you doing, कैसा चल रहा है सब कुछ, घर में कैसा है, ऑफिस में कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. टू एक्चुअली आस्क दीज यू नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्सन यू रियली केयर अबाउट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड देन टू बी देयर टू लिसन, अपनी टिप्पणी नहीं देनी है दूसरे व्यक्ति को, अपने नजरिए से नहीं देखना है जो आई थिंक अभी बोला गया, उसके नजरिए से देखने की कोशिश करनी है कि उसे क्या दिक्कत आ रही है. और अगर हम सिर्फ सुन भी लेना एक व्यक्ति को, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आ सकता है कि मेरी बात आज किसी ने बैठ के ध्यानपूर्वक सुनी. तो आगे बढ़ते हैं. मानसिक स्वास्थ्य अगर इतना जरूरी है तो इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता. इसके इससे जुड़े थोड़े से मिथ्स मैं डिस्कस करना चाहूंगी. तो काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, ये रोग एक दूसरे से ये रोग एक दूसरे से लग जाते हैं, ये रोग भूत प्रेत के कारण होते हैं, मानसिक रोग मुझे या करीबियों को नहीं हो सकता है. तो ये जो मिथ्स हैं इसके रिगार्डिंग, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति खतरनाक या हिंसक है, मानसिक विकार काल्पनिक है, बच्चे अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मानसिक रोगों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मिथ्स हैं, मिथ्स माने ये सच नहीं है. मानसिक रूप ना ही काल्पनिक है, मानसिक रूप ना एक दूसरे से हो सकता है. हर व्यक्ति जिसको कोई ना कोई मानसिक रूप मानसिक विकार है वो हिंसक या खतरनाक नहीं होता है. तो ये जो कलंक लग गया है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, जिसकी वजह से लोग बात नहीं करते कि हमें कमजोर समझा जाएगा, हमें पागल समझा जाएगा, हमें हमें बोला जाएगा कि हम काल्पनिक बीमारी बना रहे हैं अपने मन में. डिप्रेशन तो सिर्फ उन लोगों को होता है जो डिप्रेस हो सकते हैं. जैसे कि बहुत कॉमनली मैंने सुना है कि डिप्रेशन सिर्फ अमीर लोगों की बीमारी है, मगर डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है. अब प्रणम्या कम्युनिटी में काम कर रही है, मैंने 2 साल कम्युनिटी में काम करा था और मैं आपको बता सकती हूँ कि डिप्रेशन सिर्फ एक अमीर व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे उसकी आर्थिक परेशानी हो या ना हो. तो ये काल्पनिक नहीं होती है, ये एक दूसरे से नहीं होती है. हर बार एक व्यक्ति जिससे मानसिक विकार है वो हिंसक नहीं होता, वो खतरनाक नहीं होता. तो इन्हें थोड़ी से चेंज करने की जरूरत है हमें, इन बिलीव्स को, इन जो सिस्टेमिक चैलेंजेस हैं जो रोकते हैं लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए, उन्हें तोड़ने की जरूरत है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मेरे को स्टिग्मेटाइज करा जाएगा, मेरे को पागल समझा जाएगा या कमजोर समझा जाएगा. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कब कह सकते हैं कि हमें मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, और इसके बारे में काफी लोगों ने बात करी. इमोशंस के बारे में बात करी है लोगों ने, व्यवहार के बारे में बात करी है लोगों ने, और विचार के बारे में बात करी है लोगों ने. हम लोग इन सब चीजों को के बारे में बात कर चुके हैं. मगर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अगर परेशानी आपको दिखेगी तो इन 3 पहलुओं में दिखेगी. या तो आपका व्यवहार कहीं ना कहीं बदल जाएगा, जैसे आप पहले काफी जुड़े जुड़े रहते थे लोगों से, बातचीत करते थे, शांत स्वभाव के थे, सडनली गुस्सैल हो गए, या मतलब काफी ज्यादा बातचीत करते थे, अब अलग रहने लग गए. बहुत ही खुश मिजाज थे, मगर सडनली अब उदास रहने लग गए. तो आपका व्यवहार कहीं ना कहीं चेंज हो गया. विचार, अगर बहुत सारे नकारात्मक सोच आ रही है आपको, बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं,
तो वहां से भी आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि मैं इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहा हूँ हर बारी। और भावनाएं, अगर आपको उदासी ज्यादा लग रही है, चिड़चिड़ापन ज्यादा लग रहा है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रही है, आपके जो रिश्तेदार रिश्ते नाते वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर से मैं रिएटरेट करना चाहूंगी कि ये दिखती नहीं है तो हमें शायद ना पता हो कि किसी ना किसी को मानसिक रूप से दिक्कत आ रही है। जैसे शारीरिक बीमारी होती है, फीवर होता है, तो हम मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर डाल के, मगर हम ये नहीं मेजर कर सकते कि किसको कितना डिप्रेशन है या किसको कितनी एंजाइटी है। आम आदमी नहीं कर पाता ये। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें, मनोवैज्ञानिक या काउंसलर या मनोचिकित्सक, वो शायद फिर भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकें कि उस व्यक्ति को कितनी दिक्कत आ रही है, मगर आम आदमी को ये नहीं दिखेगा कि इस व्यक्ति को कितना डिप्रेशन है, कितनी एंजाइटी है, कितना ज्यादा है इसे डिस्ट्रेस हो रहा है। जागरूकता की बहुत कमी है और कलंक बहुत लगा हुआ है इस पे, इसलिए लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। इसी से जुड़ी एक वीडियो को मैं दिखाना चाहूंगी और फिर आपका थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपका व्यू क्या है उसके ऊपर, तो मैं प्ले कर देती हूँ। हिमांशु जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। यस मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं एक छोटी सी तहसील और गांव से बिलोंग करता हूँ उड़ीसा के, तो जो रूरल एरिया है, इंटीरियर रूरल एरिया है, वहाँ पे लोग इस मानसिक स्वास्थ्य को ऐसे बीमारी नहीं, वहां से ऐसे मानते कि दुखी है, बस एक टेम्पररी चीज है और एक क्वांटिटेटिव लॉस के तो वो मतलब नाचुब करते हैं इसको। जैसे किसी का जॉब चली गई, बिजनेस डूब गया, दुकान डूब गया, कोई करीबी मर गया या फिर रिलेशन में कुछ दरारें आ गई, तो उस टाइम पे लोग इस सब चीजों को सोचते हैं कि यार वो थोड़ा सा दुखी है, टेम्पररी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंडर पर्टिकुलर टाइम हाउ शुड वी रिएक्ट ये कोई नहीं सिखा रहा। वहां वैसे ही बोलते हैं, किसी को भी उस टाइम में अगर बोलेंगे अरे वो थोड़ा सा दुखी है, उसका ये चीज हो गया था, ठीक है यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस जो आदमी जो सफरर है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो कैसे अभी उसी टाइम में कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे निकलेगा वहां से। एक तो हो जाएगा टेम्पररी है, सबको पता है टेम्पररी, थोड़ी देर बाद ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर उसी ड्यूरेशन को कैसे वो टैकल करेगा वो चीजें कोई नहीं सीखा था आसपास में। और लोग सबसे बड़ी तो ये इसको मानसिक स्वास्थ्य कोई बीमारी नहीं मानते यहाँ पर रूरल एरिया में, बोलते थोड़ा दुखी है वो ठीक हो जाएगा, ये है। जी मैम, वेदा वी कांट हियर यू, आपका शायद म्यूट है। प्रणामिया कैन यू हियर मी नाउ? या हाँ, तो बहुत बारी हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी में वैसे कितने कितनी परेशानियां हैं, हम दूसरे व्यक्ति की परेशानियां क्यों सुने, या उसको अभी थोड़ा दुखी है, थोड़े दिन में शायद ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में आता है, सबको कोप तो करना ही होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत कॉमन है और ये सारे स्टेटमेंट्स ये भी दर्शाते हैं कि हम एक दूसरे के टूवर्ड्स कैसे बन गए हैं। ये हमें लगता है कि हमारी परेशानी परेशानी है मगर दूसरे व्यक्ति की परेशानी है, तो वो बस डील करे, हमारा खुद का इतना प्रॉब्लम है हम क्यों डील करें उसकी परेशानी से। तो कहीं ना कहीं जो कंपैशन की बात आई, इससे पहले हमने बात करी थी कंपैशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम एक दूसरे के तरफ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं उनकी दिक्कतों को या हम बोल रहे हैं बस ओ कैसे हो, वो बोला मैं दुखी हूँ, ये वो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलो काम करते हैं, अब हम ये कर रहे हैं या हम एक्चुअली बोल रहे हैं आपने बोला कि आप दुखी हो, क्या हुआ, मुझे जानना है, ऐसा कुछ हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई दिक्कत आ रही है, काम में कोई दिक्कत आ रही है, किसी से झगड़ा हुआ, क्या हुआ, हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, या हम बस बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा चलो कुछ नहीं होता यार पॉजिटिव सोचो, हम ये बोल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अ गुड थिंग, मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक व्यक्ति को दिक्कत आ रही है हम उस पर ब्लेम डाल रहे हैं कि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे इसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है, या हम एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पा रहा है, क्या ऐसी समस्याएं या दिक्कतें या हालात उसकी जिंदगी में पैदा हुए हैं जिसकी वजह से वो नहीं सोच पा रहा है पॉजिटिवली।
तो जस्ट बी यू नो, मेरे को बस इतना बोलना था कि हमें थोड़ा सा ये प्रश्न पूछने की बहुत जरूरत होती है, थोड़ा सा एक दूसरे के टुवर्ड्स कंपैशनेट होने की काफी जरूरत होती है. अब मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसके बाद मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप थोड़ा गौर से देखिए और जो आपको लक्षण दिख रहे हैं यहाँ पे जो गड़बड़ा गए हैं वो देखिए. फातिमा हमेशा से एक प्यारी और खुश मिजाज औरत थी. उसका घर हमेशा साफ सुथरा और सिमटा हुआ होता था. उसके बच्चे हंसते खेलते हुए नजर आते थे और यूसुफ फातिमा का शौहर हर वक्त कड़क शलवार कमीज पहनकर ऑफिस के लिए निकलता था. मगर आहिस्ता आहिस्ता फातिमा बदलने लगी. उसे घर की परेशानियां बहुत बोझ लगने लगी थी. फातिमा ने अपने दोस्तों को घर पे बुलाना छोड़ दिया. उसका किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता था. थोड़े दिनों के बाद फातिमा अपनी रूटीन से हटने लगी और घर का माहौल खराब होने लगा. वो हर वक्त अपने बच्चों पे गुस्सा और अपने शोहर से लड़ाइयां करने लगी थी. छोटी छोटी परेशानियां फातिमा के जहन पे दबाव डालने लगी थी. रात में ऐसे लगता था कि जिस्म सो रहा है मगर दिमाग चल रहा है. फातिमा हर वक्त थकी हुई रहती थी और उसके जिस्म और सर में दर्द भी रहने लगा था. उसको भूख भी बहुत कम लगने लगी थी. फातिमा का चमकता हुआ घर अब हर वक्त गंदा रहता था. फातिमा ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया और उसका दिल अब किसी काम में नहीं लगता था. सोचने लगी थी कि अब किसी तरह जिंदगी गुजर जाए. यूसुफ ने फातिमा की मदद करने की बहुत कोशिश की. मुश्किल से पैसा जमा करके मशहूर डॉक्टर के पास लेकर गया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा. फातिमा और भी ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगी और कहने लगी, मैं नफसियाती नहीं हूं. फिर एक दिन आयशा फातिमा की दोस्त घर पे आई और उसने समझाया कि फातिमा की बदलती हुई आदतें ज़हनी बीमारियों की अलामत हैं. इन ज़हनी बीमारियों के नाम डिप्रेशन और एंजाइटी है. आप शायद डिप्रेशन को टेंशन या ज़हनी दबाव और एंजाइटी को बेचैनी या घबराहट के नाम से जानते होंगे. डिप्रेशन और एंजाइटी किसी को भी हो सकता है और ये हरगिज भी लाइलाज बीमारियां नहीं है. जैसे नजला जुकाम से लोग ठीक हो जाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से भी आप आराम से ठीक हो सकते हैं. मगर सही इलाज के बगैर यही डिप्रेशन और एंजाइटी और बिगड़ती चली जाती है. काउंसलिंग जहनी बीमारियों का एक इलाज है. काउंसलिंग के जरिए दवा के बगैर बातचीत से आपकी परेशानियों का हल निकाला जाता है और आपकी जिंदगी में सुकून और फ्रेशनेस वापस लाई जाती है. फातिमा ने आयशा के कहने पे काउंसलिंग के जरिए इलाज शुरू किया और चंद मुलाकातों के बाद उसकी जिंदगी अपनी रूटीन पर आने लगी और वो फिर से खुद एतमाद, खुद मुख्तार और खुश खुरम महसूस करने लगी और उसके बच्चे और शौहर फिर से खुश मिजाज नजर आने लगे. अच्छा, तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपने ऐसे इस वीडियो में कौन से लक्षण देखे जहाँ पे आपको आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ा गया था फातिमा की जिंदगी में. क्या लक्षण दिखे चैट बॉक्सेस पे प्लीज लिखिए, क्या क्या हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ी. क्या क्या चेंजेस आए थे उसकी जिंदगी में? उदास रहने लगी थी. उदास रहने लगी थी और अकेला रहने लगी थी. स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन आ गया था उसमें. चिड़चिड़ापन आ गया था, काम में मन नहीं लग रहा था, स्ट्रेस और अकेला. फटीग हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी. उसको क्या करना छोड़ दिया था? पहले घर साफ रहता था, अब घर साफ नहीं है.
कमजोरी फील कर रही थी, लोग से बात नहीं करना चाहती थी, तो आपने काफी अच्छे अच्छे लक्षण पकड़े, इरिटेशन विद बच्चों से चिड़चिड़ापन, हस्बैंड से चिड़चिड़ापन, नॉट डूइंग, पहले जो उसे चीजों में मजा आता था और आनंद आता था, अब वो चीजें नहीं कर रही थी, उसे आनंद नहीं आ रहा था उन चीजों में, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नर्वसनेस हो रही थी। एक और चीज थी जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि उसे लग रहा था जब वो सो रही थी कि सो तो रही थी मगर मन चलता जा रहा था, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही थी उसकी। तो आपने काफी अच्छे लक्षण पकड़े, तो मैं थोड़े से डिस्कस करूंगी यहाँ पे डिप्रेशन के लक्षण। सबसे पहला तो लक्षण ये होता है कि ज्यादातर उदास उदास रहना, दिन भर में उदासी महसूस करना, जीवन और जो पहले जो चीजें आपको आनंद देती थी, मजा आता था जिन चीजों को करने में, अब आपको नहीं आ रहा मजा, आपको वो चीजें आनंद नहीं दे रही हैं, आप उन चीजों को नहीं कर रहे हो। भूख और नींद में बदलाव आ जाता है, थकान महसूस होती है, सामाजिक मेल जोल कम हो जाता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा दिखता है जब उनको डिप्रेशन होता है, अपने बारे में नकारात्मक विचार आना, ध्यान ना लगना, काम में मन ना लगना, मृत्यु या आत्महत्या के बारे में विचार आना या उसके ओर कदम बढ़ाना। तो ये कुछ लक्षण है डिप्रेशन के जो काफी बार हम मिस कर जाते हैं लोगों में, कि पहले वो खुश मिजाज था मगर अब वो उदास रहने लगा, पहले उसको बहुत अच्छा लगता था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मूवी पे जाना, बाहर जाना, पार्क में खेलना, मगर अब वो नहीं हो रहा है। पहले वो इंसान काम में ध्यान लगा पा रहा था मगर अब एक घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं लग पा रहा है। ऐसी बातें करना कि मेरी तो जिंदगी में कभी कुछ सही होगा ही नहीं, या मैं तो बिल्कुल नलायक हूँ, ऐसे अपने बारे में विचार, नकारात्मक सोच रखना, चिड़चिड़ापन आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना और चीखना चिल्लाना, या ऐसी बातें करना कि काश मैं पैदा ही नहीं होता, या ये जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, जिंदगी जीने का क्या फायदा है। तो जब आप एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं और ये सुनते हैं कि एक इंसान ऐसे बोल रहा है कि जिंदगी का क्या फायदा है, काश मैं पैदा नहीं होता, मैं भाग जाना चाहता हूँ, मैं अलग हो जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना, ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये स्टेटमेंट सुने, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है उसे आप प्लीज काउंसलिंग के लिए आगे भेजिए, उसे प्लीज बोलिए, उसके परिवार से बात करिए या उस व्यक्ति से बात करिए कि शायद आपको अभी मदद की जरूरत है, शायद आपको किसी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें लगता है कि लोग सिर्फ अपने ओर ध्यान बोल रहे हैं मगर ऐसा नहीं है। बहुत बारी सुसाइड के बारे में लोग बात इसलिए करते हैं, इट्स लाइक अ क्राई फॉर हेल्प, उनकी आखिरी हेल्प सीकिंग बिहेवियर होता है ऐसी चीजें बोलना कि शायद कोई सुन ले मेरी बात। तो प्लीज अगर आप ऐसे कुछ सुने तो प्लीज उस पे एक्ट करिए, उनको उनसे बात करिए, उनके परिवार से बात करिए अगर वो नहीं मान रहे हैं, एंड प्लीज गेट देम द नेसेसरी हेल्प। तो अगर अब हमने जब डिप्रेशन के बारे में बात करी, हमने डिप्रेशन से जुड़े लक्षणों के बारे में बात करी, अब मैं थोड़े से कारणों के बारे में बात करूंगी। जैसे आई थिंक रुक्मिणी जी ने बोला था एंड प्रीति जी ने बोला था कि डिप्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है, लॉट ऑफ पीपल जिनके पास फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं उनको भी हो सकता है, तो काफी ज्यादा कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता सिर्फ डिप्रेशन का। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए। अच्छा, सो एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर फैमिली में किसी ना किसी को डिप्रेशन है, आपकी जीन्स में किसी ना किसी अगर आपकी जीन्स में कोई भी मानसिक रोग है तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके भाई को डिप्रेशन है या आपके चाचा को डिप्रेशन है, मामा को डिप्रेशन है तो आपको होगा ही,
बट चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन या कोई भी मानसिक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सोशल सपोर्ट की कमी होना, सामाजिक सहयोग की कमी होना, अगर आपने आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया है या कोई दूर चला गया है आपसे, सेपरेशन हो गई है किसी से, तो तब डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन सदमा लग जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। बच्चों के लिए पढ़ाई का जो तनाव होता है उनको काफी बार डिप्रेशन की ओर बढ़ावा देता है। आत्मविश्वास की कमी होना, सेल्फ एस्टीम की कमी होने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि हम बार बार अपने मन में नकारात्मक विचार ला रहे हैं अपने बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने सोच के बारे में। हम बार बार अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं कि मैं ही नालायक हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं गंदी दिखती हूँ या मैं गंदा दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को लोग पसंद नहीं करते। जब ऐसी बातें बार बार मन में आती हैं, जहन में आती हैं, तो डिप्रेशन की ओर ज्यादा बढ़ता है व्यक्ति। परिवार में विवाद या झगड़े होना, हरासमेंट और बुलिंग। बच्चों के लिए जब स्कूल में बुलिंग होती है, बुलिंग माने कि अगर बच्चे नीचा दिखाते हैं किसी बच्चे को, उसे दबाव डालते हैं उस पर कोई चीज करने के लिए, उसे अलग रखते हैं अपने आप से, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये सब बुलिंग के अंडर आता है। अगर जैसे ऑफिस में भी ये हो सकता है हरासमेंट के तौर पे, उत्पीड़न जिसे बोलते हैं, कि अगर किसी ने आपको हरास करा, बोला कि आप ये नहीं करोगे आपको फायर कर दिया जाएगा, या ऐसे होगा या वैसे होगा, या बहुत ज्यादा झगड़े होना, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर कॉन्स्टेंटली हम एक ऐसी एनवायरमेंट में रहे जहाँ पे लोग हमें टारगेट बना के रख रहे हैं, तो डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे लोग हमसे मिलजुल के नहीं बल्कि हमारे अगेंस्ट बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे कुछ कोई बोलना चाहेगा इन सारी चीजों के बारे में जो कारण है डिप्रेशन के? और ये कारण नहीं होते कि एक चीज हो गई तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, बट ऐसा होता है कि अगर ये चीज बहुत समय तक रहे मेरी जिंदगी में, या दो तीन चीजें मेरी जिंदगी में आ जाए, जैसे अगर किसी का परिवार में देहांत हो जाए, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ऑफिस में भी चीजें ठीक नहीं चलती, या फैमिली में दिक्कत आ रही है, तो डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि ये चीज हो तो आपको डिप्रेशन होगा ही, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप सबसे, हाँ जी रुक्मिणी जी बोलिए। हाँ वेदा, ये जो रीजंस आपने, ये कारण जो दिखाए हैं, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ और एक भी वो है कि सोसाइटी हमको कैसे देखना चाहती है। टू बी ऑल, यू नो, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू बी। जैसे अगर कोई लड़का रोता है, सो वी से दैट, यू नो, बॉयज शुडंट क्राई, और डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, और यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो if it's a girl and she's working and she doesn't leave her job and go along with her husband, the society says ki ye aise, ye bhi karan ho sakte hain, along with these ki society ek picture banati hai ki you have to be like that, you girls have to be fair, or nahi to you can't, boys can't show emotions, things like that, which also I think makes people a certain way, and they try to adapt to that and try and make themselves to be someone else who they are not. Maybe a boy is a really sensitive person and cries, but wo hum log nahi lete hain very easily. So इसमें भी उनका जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है टू सिचुएशंस, टू प्रॉब्लम्स, टू जो वो स्पॉन्टेनियस रहता नहीं है, एंड द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ डिफरेंट पिक्चर अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, व्हिच आई थिंक आल्सो एड्स टू सम काइंड ऑफ अ डिस्कॉर्ड साइकोलॉजिकली। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि
काफी बार ऐसा होता है कि हम जैसे हैं हमें वो स्पेस नहीं मिलती कि हम बिल्कुल वैसे ही रहें. सोसाइटी वॉन्ट्स टू चेंज अस इन अ सर्टेन वे एंड स्टैंडर्डाइज अस कि लड़कियों को गोरा होना होता है, लड़कों को इमोशनल नहीं होना होता है, रोना नहीं चाहिए, या लड़कियों को घरेलू होना होता है. और जब ये डिसोनेंस क्रिएट होती है कि मैं घरेलू नहीं हूँ, मुझे काम करना है, या मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, या मुझे मुझे शायद कुछ और करना है, मुझे घर पे बैठ के खाना नहीं बनाना, मेरा मन नहीं है, तो जब ये दबाव पड़ता है सोसाइटी से, आई मीन दैट कैन क्रिएट सो मच ऑफ यू नो मेंटल केओस इन अस कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ बट मेरा परिवार, मेरी मेरी सोसाइटी, मेरे करीबी लोग मुझे कहीं और बढ़ावा दे रहे हैं और मेरे को वो नहीं करना है. सो दैट प्रेशर कैन बी वेरी वेरी यू नो डीस्टेबलाइजिंग फॉर अ पर्सन. मुलोय जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, नमस्कार मैम. मेरा प्रश्न था कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हम लोग कहते हैं, ये सब्सटेंस एब्यूज के एब्यूज जो होता है, तो इसके दौरान डिप्रेशन, ये भी तो डिप्रेशन के अंदर आता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या है, कैसे होता है, और सब्सटेंस एब्यूज के दौरान कैसे होता है. पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली थोड़े से डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं. वो लंबे समय, आई मीन जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं. वो तब उभर के आते हैं जब एक व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो जाता है, जब पर्सनैलिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है, और इनके साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है बिकॉज वो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं. जैसे माइल्ड मॉडरेट सिवेयर होते हैं, जैसे फीवर भी माइल्ड मॉडरेट सिवेयर होता है, वो मॉडरेट टू सिवेयर कैटेगरी में आते हैं. और उनके साथ बहुत क्लोजली एक साइकोलॉजिस्ट को या मनोचिकित्सक को काम करना पड़ेगा. वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं. अगर मैं उनके बारे में बात करूंगी, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे, बट उन डिसऑर्डर्स के लिए हमें एक्चुअली प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है, नॉट दैट कि हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए नहीं पड़ती है. मगर अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी माइल्ड है तो एक दो काउंसलिंग सेशन में भी काफी फर्क पड़ जाता है. बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसमें यू नीड कॉन्स्टेंट सपोर्ट, तो थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में आता है वो डिसऑर्डर. और सब्सटेंस अब्यूज के लिए भी यू नीड साइकाइट्रिक हेल्प, मनोचिकित्सक की जरूरत होती है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज के विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो मेडिकली मैनेज करने होते हैं, और साइकोथेरेपी की जरूरत होती है. सुनील तिवारी जी बोलना चाहते हैं? बेदा जी, मैं जो आपने रिजल्ट दिखाए हैं वो काफी, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है. जो आपने रिजल्ट दिखाए हैं वो काफी मुझे सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ मुझे देखने को मिलते हैं. तो कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं, जैसे इन्हीं में से कुछ रीजन है, जैसे डेथ वगैरह किसी की फैमिली में हो जाती है, तो क्या ये जो डिप्रेशन होता है ये परमानेंटली भी हो जाता है क्या किसी को? जनरली जब कोई ग्रीव कर रहा होता है डेथ को, तो इतना समझ लीजिए कि 6 months टू ईयर ग्रीविंग पीरियड होता है. मगर उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति आपको उदास उदास दिख रहा है, उसकी भूख, नींद, ध्यान, क्या कहते हैं, मन, इन सब में गड़बड़ी दिख रही है आपको कि मन चिड़चिड़ा फिर भी रह रहा है, भूख नींद अभी भी गड़बड़ा रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, नकारात्मक सोच आ रही है, जीवन में वो वापस अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर वापस नहीं जा पा रहा है, आफ्टर 6 months आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. बिकॉज ग्रीविंग पीरियड एक समय तक रहता है, उसके बाद जनरली इंसान उसको एक्सेप्ट करने लगता है और कोप करने लगता है. एंड ग्रीफ की जब बात करें तो हम वी मूव फॉरवर्ड विद डेथ, हम कभी मूव ऑन तो करते नहीं है. वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में शायद बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, तो मूव ऑन तो कभी हम नहीं करते, बट वी मूव फॉरवर्ड कि चलो ये हो गया मगर जिंदगी चलेगी आगे, मैं रोजमर्रा के काम करूंगा, मैं परिवार की देखभाल करूंगा या करूंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं उठूंगी, मैं तैयार होंगी, मैं ऑफिस जाऊंगी. तो अगर 6 महीने के बाद आपको दिख रहा है कि अभी भी ग्रीफ चल रहा है, इसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, तो देन मे बी यू नीड टू चेक कि शायद इस व्यक्ति को एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराने की जरूरत है, कंसल्टेशन की जरूरत है.
और एक डिप्रेशन में जैसे ये रहता है कि जैसे काफी लोगों को नींद की बीमारी होती है, तो ये डिप्रेशन का एक वजह हो सकती है क्या? काफी लोगों को जैसे नींद नहीं आती, क्योंकि डिप्रेशन में यदि व्यक्ति है तो वो सो तो नहीं पाएगा जिस तरीके से नींद लेना चाहिए उस तरीके से। वो डिप्रेशन का भी साइन हो सकता है, वो एंजाइटी का भी साइन हो सकता है, वो बहुत सारे मानसिक रोगों का एक्चुअली सिम्टम है। तो जब वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के जाएगा, वो असेस कर पाएंगे कि एक्चुअली वो सिम्टम पिक्चर कैसे दिखती है, क्लिनिकल पिक्चर कैसे दिखती है, और कौन सा मानसिक विकार शायद उस व्यक्ति को है, वो डिसाइड कर पाएगा। तो वो सिर्फ एक सिम्टम से हम नहीं बोल सकते कि डिप्रेशन है, मगर हाँ वो एक सिम्टम इम्पोर्टेंट है समझने के लिए हमें कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ा गया है। नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हम एंजाइटी डिसऑर्डर के जो वर्ड मूव कर रहे हैं, आई एम श्योर आप सभी ने एग्जाम दिए होंगे, तो कैसा लगा था जब आपने एग्जाम दिए थे, कैसा लगता है एग्जाम से पहले, प्लीज चैट बॉक्सेस में लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। स्ट्रेस फील होता है कभी भी एकेडमिक यदि कोई एग्जाम देने जाते हैं तो स्ट्रेस तो होता है। प्लीज लिखिए कैसा लगता है, एंजाइटी होती है, मैंने लिखा है मेरे हाथ बहुत स्वेटी हो जाते हैं और स्टमक एक होता है मुझे, डर लगता है। हाँ यही बात है, एक तो भय होता है, घबराहट बहुत ज्यादा होने लगती है, पता नहीं क्या आएगा, कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इवन, लेकिन आखिर में जब एग्जाम निकल जाता है उसके बाद में ये कहा जैसा हुआ हो गया। किसी ने लिखा है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जायटी होती है, पता नहीं क्या परिणाम आएगा, इसके बारे में बहुत चिंता होती है हमें, इतना लास्टिंग होता है कि इतना लास्टिंग है कि इतने सालों बाद भी, मतलब कि स्कूल छोड़े कितने साल हो गए बट अभी भी वो यू नो वो कई बार वो सपने की तरह और एक्चुअल सपना और यू नो नाइटमेयर जैसे आता है कि आप लेट हो रहे एग्जाम के लिए या आप बैठे हो और एंग्जाइटी है कि अच्छा नहीं गया है एंड डांट पड़ रही है and then you get up and say अरे it's आज का टाइम है, वो तो टाइम बीत गया बट वो अभी भी हवा बना हुआ है उसका, इतना इम्प्रेशन छोड़ के गया। हेडेक होता है, किसी ने लिखा है नर्वसनेस होती है, और जब तैयारी अच्छी होती है तब बहुत मजा आता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लगता है कि इस बार बस पास हो जाए फिर नेक्स्ट टाइम से अच्छा पढ़ाई करेंगे। कभी कभी एग्जाम से पहले सपना आता है कि एग्जाम छूट गया, लेट हो गए, हाँ ये मुझे भी होता है। मुझे अभी तक मैथ्स के एग्जाम का सपना आता है। सुनाई दे पा रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जी ठीक है, एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो चलिए हमने एग्जामिनेशन एंग्जाइटी के बारे में तो बात करी, ये थी एग्जाम एंग्जाइटी। अब अगर आपको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी बहुत बड़े स्ट्रेसर के एंग्जाइटी के जो लक्षण है, जैसे हार्ट बीट तेज होना, चिंता रहना, नर्वसनेस होना, डर लगना, अगर ये आपको दिख रहे हैं बिना किसी इवैल्यूएटिव सिचुएशन के कि कोई एग्जाम नहीं है, कल आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, कल कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में जो आपको डिसाइड करेगा कि आपका करियर कहाँ जा रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, अगर कोई बाहर से तनाव नहीं आ रहा और फिर भी आपको ये लक्षण दिख रहे हैं 4 हफ्ते या उससे ज्यादा, तो शायद आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो इसमें चिंता होती है, घबराहट होती है और डर लगता है। और जो हमने लक्षण लक्षणों के बारे में बात करी कि डर, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, पीड़ा हो सकती है, सांस की कमी हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जी मचलाता है, घुट की भावना होती है, सर चकराता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठंड लगना या गर्मी लगना, बहुत पसीना आना, उल्टी जैसा महसूस होना, या बहुत ज्यादा सर दर्द होना या स्टमक पेन होना, ये सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। और जब भी हम बात करते हैं ना मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े किसी विकार से, हम हमेशा इसमें बात करते हैं कि मन में क्या चल रहा है, मगर आप नोटिस करेंगे जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, आपको बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखेंगे, या तो आपको थकान होगी बहुत ज्यादा, सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा,
पहले आप शायद एक क्रोसीन खाते थे, अब आप शायद दिन में 3 क्रोसीन खा रहे हैं उसी सर दर्द के लिए, या हफ्ते में आप शायद 1 बार दवाई लेते थे, अब आप 3 बार दवाई ले रहे हैं उसी सर दर्द के लिए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हमारा शरीर हमें क्या बता रहा है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। बारिश आ रही क्या? हाँ, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने शारीरिक लक्षणों पे भी, क्योंकि वो भी हमें बताते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। काफी लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी एकदम मानसिक रूप से, मतलब चिंता के रूप से या विचारों के रूप से नहीं आएगा, सर दर्द बढ़ गया है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से सर दर्द बढ़ गया है, या बहुत ज्यादा मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, नौजिया हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है। तो जो आपके शरीर में हो रहा है वो आपको बहुत ज्यादा बता सकता है कि आपके मन में क्या शायद चल रहा है। तो जैसे हमने बात करी डिप्रेशन के कारणों के बारे में, एंजाइटी के कारण भी कुछ सिमिलर होते हैं। जीवन में तनाव, अगर बहुत लंबे समय तक जीवन में तनाव चल रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, तो उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। अगर परिवार में सब एंजाइटी, जैसे कि परिवार में काफी बार हमारे परिवार में क्या होता है कि कोई दिक्कत आती है तो हर परिवार का एक स्टाइल होता है उससे कोप करने का। काफी बार सब लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं काम रह के, या काफी बार लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें, हाँ ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, या काफी बार वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो परिवार का स्टाइल होता है उस प्रॉब्लम से कोप करने का, वो हम पे प्रभाव डालता है कि हम कैसे तनाव से कोप करें, हम कैसे तनाव से उभर के आए या उसे कैसे जूझे। तो अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, मेरे पास अगर एक बच्चा आता है काउंसलिंग के लिए, तो बच्चा बड़ा ही डरा डरा सा लगता है, एंग्शियस लगता है मुझे। जब मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ ना, मुझे वो ही लक्षण उनमें भी कभी कभी दिखते हैं कि मेरा बच्चे का क्या होगा, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, उसके करियर का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम मैं क्या करूँ, कैसे होगा ये। तो कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों से भी सीख जाते हैं कि प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमें एंग्जाइटी लेने की जरूरत होती है। तो इससे एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स हो गया है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो गया है टू अ प्रॉब्लम कि हम एंग्जाइटी लेंगे, अब हम चिंतित रहेंगे इसके बारे में। तो कभी कभी हम आपस के लोगों से सीखते हैं, और अगर आपकी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन हो। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कोरोना वायरस के टाइम पे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा है। प्लीज चैट बॉक्सेस पे लिख के आपको क्या लगता है कि इस समय में सबके साथ क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चेंज हो गई है लाइफ, क्या क्या हो रहा है अब कोरोना वायरस के टाइम पे स्पेसिफिकली अभी, क्योंकि अभी एक बहुत ही गंभीर टाइम है, एक बहुत ही पर्टिनेंट टाइम है हमारी लाइफ में। गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, और लिखिए क्या क्या हो रहा है सबके साथ में, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बंद बंद लगता है, क्योंकि बाहर जाने से डर लगता है मुझे कि संक्रमण ना हो जाए। नॉट बीइंग एबल टू मीट योर नियर एंड डियर वंस, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, पेशेंस कम हो गई है, फियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, संक्रमण होने का डर बढ़ गया है। बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फियर बहुत बढ़ गया है, डर लगता है, अनइजी फीलिंग रहती है, इरिटेटेड रहते हैं, अनसर्टेनिटी हो गई है, सेपरेशन हो गई है लोगों से, फ्यूचर के बारे में बहुत डर लगता है, तो काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए आपने। जैसे ये बहुत कॉमन है कि घर में बंद रहने की फीलिंग हो रही है, व्यावसायिक जीवन पे प्रभाव पड़ गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूसरों से मेल जोल नहीं हो पा रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में एकदम बदलाव आ गया है। जैसे कि हम पहले ट्रेनिंग इन पर्सन करते थे, अब हम
जूम पे कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये सबसे बड़ा बदलाव है कि मतलब हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग आर्थिक परेशानियां हो गई हैं, लोगों के जॉब जा रहे हैं, सैलरी कट्स हो रहे हैं, वायरस हो जाने का बहुत डर है, अकेला अकेला महसूस करने लग गए हैं लोग, तो ये बहुत ही गंभीर टाइम है क्योंकि यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा हमें दिख रहा है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे की बात सुनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जेल जैसा फील कर रहे हैं एक्सट्रोवर्ट्स, पीपल आर आइसोलेटेड, चिड़चिड़ापन, जॉब लॉस हो रहा है बहुत लोगों को, हाइपरटेंशन हो गई है, बुरी सोच हो गई है, लोनलीनेस हो गई है, दूसरों के एक दूसरे के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे हैं लोगों से। तो ये बहुत ही एक नया अनुभव है सबके लिए, हमने शायद कभी भी ऐसा टाइम एक्सपीरियंस नहीं करा जहाँ पे हम लोगों से हर रोज मिल नहीं पा रहे हैं, या अगर मिल भी रहे हैं तो इतना डर डर के मिल रहे हैं कि उससे मुझे संक्रमण ना हो जाए। तो इस समय पे हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इससे कैसे कोप करें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है एक सेकेंड कि एक विश्वसनीय साधन या व्यक्ति के द्वारा इसके बारे में जाना जाए। न्यूज में बहुत कुछ आता है, व्हाट्सएप वीडियोस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं जो इससे डरे इससे जुड़े आतंक और डर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पे ना जाइए बल्कि एक विश्वसनीय साधन के पास जाइए जहाँ से आपको करेक्ट न्यूज मिल जाए ताकि इससे जुड़े डर को हम थोड़ा सा कम कर पाए और एक दूसरे के बीच में ऐसी बातें ना फैलाएं जिससे और डर पैदा हो। और अभी किसी को पता नहीं है इसका कैसा सामना करना है, हम लोग भी एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सीख रहे हैं कि इसे इसका कैसा सामना करा जाए। एंड सिंस आप लोग बच्चों के साथ काम करते हैं तो मैं ये थोड़ा सा दोहराना चाहूंगी कि बच्चे किसी भी प्रॉब्लम से कोप करना सीखते हैं या तो बड़ों से या खुद के अनुभव और प्रयास से, मगर जैसे बड़े एक प्रॉब्लम या समस्या से जूझते हैं बच्चे उनसे काफी कुछ सीखते हैं। तो उनके माता पिता, घर के बाकी सदस्य, अध्यापक अध्यापिका उनसे काफी कुछ सीखते हैं। तो अभी हमें जरूरी हो जाता है अपनी मनोस्थिति के बारे में सोचना और सतर्क रहना कि मेरे को कैसा लग रहा है, क्योंकि जैसे मुझे लगेगा उसका प्रभाव एक बच्चे पे भी पड़ेगा और उसकी मनोस्थिति भी वैसी ही हो जाएगी। अगर मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ या मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा उदासी हो रही है या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो काफी ईजी है इस फीलिंग को ट्रांसफर करना टू अ चाइल्ड बिकॉज अ चाइल्ड इज वेरी वेरी इम्प्रेशनेबल। बच्चे बहुत ज्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं, हमसे सीखते हैं वो कि कैसे कोप करना है किसी प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे अपनी मनोस्थिति के बारे में थोड़ा सतर्क रहेंगे। मैं एक वीडियो प्ले करूंगी जो प्रणाम्या ने बनाया था जो अभी ट्रेनिंग में है हमारे साथ कोरोना वायरस के बारे में, जो थोड़ा सा हमें बताती है कि इससे कैसे डील कर सकते हैं हम। मनस फाउंडेशन की तरफ से आपको नमस्कार। हम सब इस समय उलझन महसूस करने में साथ है, ऐसा वक्त व्यतीत करना वाकई हम सबके लिए एक बहुत ही नया अनुभव है। हो सकता है ये अनुभव कुछ के लिए कठिनाइयों और नए अवसरों का एक अच्छा मेल हो, दूसरी ओर हम में से कईयों के लिए ये पाबंदियां, घर में वही लोगों के साथ रात दिन बिताना, काम करने ऑफिस ना जा पाना, दोस्तों से ना मिल पाना और कई ऐसी अजीब परिस्थितियां चिंता, बेचैनी और घुटन का कारण भी हो सकती है। क्योंकि आजकल की ये परिस्थिति नई है, हम नहीं जानते कि ये हमारे मानसिक जीवन पर किस तरह का असर डाल रही है और आगे किस तरह हमारे मन पर प्रभाव डालेगी। कई लोग अपने परिवार के लोगों के बारे में चिंतित हैं, कई लोग अपनी मानसिक बीमारियों को वापस आता महसूस कर रहे हैं, कई लोग अपने आप को और अपने मन को कैद महसूस कर रहे हैं, कई लोगों को अब रात और दिन के निकल जाने का अनुमान नहीं रहता क्योंकि उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। सही सही कसर रात दिन कोरोना वायरस की न्यूज देख देख कर हम पूरी कर लेते हैं। ये जानिए कि अकेला, उदास, निराश, बेचैन और अजीब महसूस करने में आप अकेले नहीं हैं। विश्व भर में होने वाली ये बीमारी हम सबको प्रभावित कर रही है और हम सबके मानसिक स्वास्थ्य पर जोर डाल रही है। आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। इस वक्त में कुछ चीजें हैं जो हमारी टीम ने अपनाई है।
जो आपको भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। पहला, अपनी मनोस्थिति को लेकर सचेत रहिए। ऐसे वक्त में झुंझलाकर एक दूसरे पर गुस्सा निकालना सामान्य है, लेकिन अपने गुस्से और अपने झिझड़ेपन को अगर हम पहचान लें और इन भावनाओं का कारण समझने की कोशिश करें तो हम शायद दूसरों और खुद को हानि पहुंचाने से बच सकते हैं। अपनी निराशा, चिड़चिड़ाहट, उदासी और अन्य मनोस्थितियों को समय पर पहचानिए। दूसरा, अपने दोस्तों और अन्य परिवार वालों से जुड़े रहिए। अकेलापन और उदासी आहिस्ता आहिस्ता मन में पनपते हैं। कई बार अपने दोस्तों से बात करने के बाद ही आप समझेंगे कि उनसे बात करके आपको वाकई अच्छा महसूस हुआ और इतने समय से आप लोगों से कटते जा रहे थे। तीसरा, अपने खाली टाइम में कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। अपने आप के साथ समय गुजारिए, अपने परिवार के साथ समय गुजारिए और जीवन को स्थिरता से जीने की कोशिश कीजिए। चौथा, ज्यादा निराशाजनक न्यूज देखना और पढ़ना भी आपके मन पर बुरा प्रभाव डालता है। अपनी सीमा को पहचानिए और जब न्यूज आपको बेचैन करने लगे उसको मत देखिए। पांचवा, दिन भर में करने वाले कामों की सूची बनाइए और उसमें कुछ फ्री टाइम रिलैक्स करने के लिए भी रखिए। इन सब सुझावों को करने के बाद भी हम समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत ही कठिन साबित हो रहा है। आपसे आग्रह है कि आप अपने किसी भरोसेमंद से जुड़िए और उनसे खुल के बात करिए। आप हमसे भी टेली काउंसलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन से जुड़ सकते हैं। सचेत रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो बस ये वीडियो था अबाउट कोरोना वायरस और ये कितना हमारे लिए नया अनुभव है और कितनी दिक्कतें आ रही हैं। हमने काफी बात करी मानसिक विकारों के बारे में, मानसिक दिक्कतों के बारे में। अब थोड़ा सा मैं इस पे जाना चाहूंगी कि हम अपनी मदद कैसे कर सकते हैं अगर हमें मानसिक विकार हो रहे हैं, मानसिक तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो हम अपनी मदद यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। कुछ चीजें अप्रणम्या ने बताई हमें। सबसे पहले अगर हमें लग रहा है कि हमें मानसिक परेशानी आ रही है या उससे बचना, अगर प्रिवेंशन करनी है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक्टिव जीवन व्यतीत करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो तीन या उससे ज्यादा दिन व्यायाम करना, 8 घंटे की नींद पूरी करना, पौष्टिक भोजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको उदाहरण दूंगी कैसे। कोई मेरे को यहाँ पे बता सकता है, कोई भी, कि अगर आपने नींद नहीं पूरी करी और आप ऑफिस गए, आपको उस दिन कैसा लगता है ऑफिस में? कोई भी बता दीजिए। डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट होता है। और क्या लगता है? काम में मन नहीं लगता होती है। नींद कान में काम में मन लग पाता है? काम में मन नहीं लगता। चिड़चिड़ा हो जाते हो कि मेरे को घर जाना है, सोना है, नींद नहीं पूरी हुई, सर दर्द, लेजीनेस होती है? हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी कमी आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड में कमी आती है, ध्यान नहीं लग पाता है। अगर कोई कुछ बात कर रहा है, हमारे को सिर्फ बिस्तर दिखता है कि बस मेरे को घर जाके बस सोना है अभी। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हमारी नींद नहीं पूरी होती है, हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है जो एक्टिवली सोचता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो यहाँ पे होता है, वो थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सो जाता है क्योंकि उसको नींद पूरी नहीं हुई है उसकी। तो हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हमारा जो रैशनल ब्रेन है थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे नींद की आपको जरूरत समझ आएगी कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को वो कैसे प्रभाव करती है। एक दिन की नींद की कमी से भी आपको चिड़चिड़ा लगता है, लेजी लगता है, वीकनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, ध्यान नहीं लग पाता है, तो सोचिए अगर आप एक हफ्ते आपको पूरी नींद नहीं हो पा रही है आपकी, आपको कैसा लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप। अगर आप सब स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, बिना ब्रेक में खाना खाए क्लास अटेंड करी है कभी? कैसा लगता है? अगर खाना नहीं खाया हमने ठीक तरह, कैसा लगता है? उसके बाद काम करो या ध्यान लगाओ या क्लास में ध्यान लगाओ, सारा ध्यान खाने की ओर जाता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, ध्यान नहीं लगता, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं कि नहीं मुझे खाना खाना है,
वीकनेस लगती है, बॉडी में थकान महसूस होती है, मन ठीक नहीं रहता है. तो ये चीजें जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, नींद, खाना, इन चीजों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, मगर पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है और हम कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. तो तभी कहते हैं कि अपनी नींद पूरी करो, खाना अच्छा खाओ, पौष्टिक भोजन लो. और व्यायाम की जब बात करें तो जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में पॉजिटिव हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें एंडोर्फिन्स बोलते हैं. वो हॉर्मोन्स जो डोपामीन, मैं थोड़े से हॉर्मोन्स आपको बता दूंगी कि डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये जब हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमारे ब्रेन को एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मानसिक विकारों से. एक्चुअली अभी एक रिसर्च भी हुई थी जिसे दिखा था कि हमारी मेमोरी भी बढ़ती है अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें. जो हमारा ब्रेन का एरिया होता है जहाँ पे मेमोरी होती है, वो उसमें न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. तो सोचिए अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो उससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे ब्रेन पे और हमारी मनोस्थिति पे. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है प्रिवेंट करने के लिए किसी भी मानसिक रोग को. अब चलिए अगर आपको मानसिक रोग हो गया तो क्या कर सकते हैं. मेरी सलाह ये होगी कि परिवार या दोस्तों से पहले बात करने की कोशिश करिए, उन्हें बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, दिक्कत आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है, घर में दिक्कत आ रही है, किसी अपने ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करिए इसके बारे में. अगर उसके बाद भी आपको ठीक नहीं लगे, एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करिए. और अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद भी आप ठीक नहीं है और मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आपको शायद मनोचिकित्सक की जाने की पास जरूरी है, तो प्लीज जाइए. और बिल्कुल मत कतराइए कि मेरे पे कलंक लग जाएगा, दवाई खाना अच्छी बात नहीं है, ये वो. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत बारी जब माइल्ड फीवर होता है तो शायद वो खुद चला जाए, हम खाना अच्छा खाएं, रेस्ट करें, शायद 99 फीवर चला जाए. बट बहुत कम होता है कि अगर आपका फीवर 101, 102 पहुंच गया है कि वो खुद कम होगा. क्रोसिन लेने की जरूरत पड़ जाती है हमें, दवाई लेने की जरूरत पड़ जाती है हमें. तो वैसे ही जब हमें थोड़ा मॉडरेट टू सिवेयर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाता है, हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है. तो बिल्कुल मत कतराइए. इट्स जस्ट लाइक आपका हार्ट टूट गया है या आपको बुखार हो गया है, बिल्कुल वैसे ही कभी कभी हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स और हॉर्मोन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ा गया है हमारी बॉडी में जिसको करेक्ट करने की जरूरत है. अगर हमें डायबिटीज है तो हम शुगर को मॉनिटर करते हैं और इंसुलिन लेते हैं. बिल्कुल वैसे ही अगर हमें डिप्रेशन है तो हमें दवाइयां लेनी पड़ जाती हैं कभी कभी. यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए. जैसे मैंने बोला, जैसे शारीरिक विकार होते हैं बिल्कुल वैसे ही मानसिक विकार होते हैं. और हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से सलाह और मदद लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी डिसऑर्डर्स भी मॉडरेट टू सिवेयर हो जाते हैं. माइल्ड डिप्रेशन शायद आपको बातचीत से ही क्योर हो जाए, मगर अगर वो मॉडरेट टू सिवेयर है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि वो खुद से नहीं जाएगा. थोड़ा सा मैं बताऊंगी. एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से मेरा काम क्या है, मैं और प्रणम्या करते क्या है? प्लीज चैट बॉक्सेस में लिखिए. आपको क्या लगता है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर क्या करते हैं? जब आप एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के पास जाते हैं क्या होता है? मदद करते हैं बातों को एनालिसिस करने में, बातों को एनालाइज करने में मदद करते हैं. और क्या करते हैं? और निर्णय लेने में मदद करते हैं कि हम कैसे, हम जो भी जीवन के बारे में सोच रहे हैं या जो भी हमारी परिस्थितियों के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में वो इस तरीके से बात करते हैं कि वो लगे कि वो निर्णय उनका खुद का है, वो आपका नहीं है. तो उसमें मदद करते हैं, जो उनके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही होती हैं कि ये ठीक है नहीं है,
कोई मुझे बोलेगा नहीं बोलेगा, तो वो जो उलझन है उस उलझन को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते हैं, उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट देते हैं, दोस्त की तरह बन के पूरा और बिना पूरा दोस्त की तरह बन के हम हमारी बात समझने की कोशिश करते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए हमें समझाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सोच को थोड़े पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक सोच को थोड़ा सा सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश, आपको मदद करते हैं कि आप अपने आप को कैसे जान पाए, आत्मविश्वास, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं, जजमेंटल नहीं होते कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, पूरा एक्सेप्ट द पर्सन, पर्सन को एक्सेप्टेंस देते हैं कि आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, किस वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो भी रहा है तो उसकी उसके उसके जो भीतर जो फीलिंग है वो क्या है, क्या वो उदासी है, क्या वो गुस्सा है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुए उसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है। तो बहुत अच्छे, आपने एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो हम एक नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग एटमोसफेयर देते हैं एक क्लाइंट को, जहाँ पे हम उसे एक अपना एक और पर्सपेक्टिव दे सकें, एक और अलग नजरिया दर्शाते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, हम खुद अपनी प्रॉब्लम से, हम खुद अपनी समस्या से बहुत करीब होते हैं, तो हम उसे सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत करीबी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब एक दूसरा व्यक्ति हमें एक और नजरिया देता है कि शायद आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शायद हम तब वैसे नहीं सोच पा रहे हैं, हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रहे हैं, हम बहुत करीब है उस समस्या के, हमें नहीं दिख पा रहा है वो सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मदद होती है। हम सलाह और मार्गदर्शन भी देते हैं बहुत बारी, जब जिंदगी में दिक्कत आती है, डिसीजन मेकिंग में जैसे आपने बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम स्ट्रैटेजीज और एडवाइस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। मगर यहाँ पे हम आपको स्ट्रैटेजी सिखाते भी हैं ताकि आप हम पे निर्भर ना हो और आत्मनिर्भर बन जाएं, ताकि हमारे पास आपको वापस आने की जरूरत ना हो। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा क्लाइंट हम पे निर्भर हो और जिंदगी भर हमारा क्लाइंट बनके रहे। हम उन्हें ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं कि जो वो अप्लाई कर सके और हमारे पास वापस आने की जरूरत ही ना पड़े। हम उनका अकेलापन थोड़ी दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात समझ के, उनकी बात सुन के हम उन्हें ऐसा महसूस करते हैं कि हम आपके साथ हैं इस प्रॉब्लम में, आप अकेले नहीं हैं इसमें, और हम थोड़ा उनका जो सामाजिक समर्थन और सहयोग है उसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वापस क्लाइंट को हमारे पास आने की जरूरत ना हो, बट उसके पास एडिक्वेट सपोर्ट हो अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, कि उसे हम एक काउंसलर के पास आने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम थोड़ी सी ये चीजें करते हैं, स्ट्रैटेजीज देते हैं, पर्सपेक्टिव टेकिंग करते हैं, थोड़ा अकेलापन जो होता है मानसिक विकारों में उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं, और सामाजिक समर्थन बढ़ाने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, अपने में, दूसरों में, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबके साइंस एंड सिम्टम्स जो आज हमने डिस्कस करे, प्लीज नोटिस करने की कोशिश करिए, उन्हें कंपैशनेटली सुनिए, अगर उन्हें आपको लग रहा है उन्हें दिक्कत आ रही है प्लीज सुनिए उनकी बात, समझने की कोशिश करिए, अपनी टिप्पणी ना दे के बस पहले सुनने की बहुत जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, एडवाइस देना शुरू कर देते हैं और बीच में काट देते हैं व्यक्ति को। तो प्लीज धैर्यपूर्वक सुनिए कि वो क्या बोल रहा है व्यक्ति, और उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, और अगर उन्हें प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है प्लीज उन्हें इनकरेज करिए कि वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के जाए, और ऐसे बोलिए कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के जाना मतलब ये नहीं कि आप पागल और कमजोर हैं। बहुत बारी हमें शायद एक प्रोफेशनल ओपिनियन की जरूरत होती है, बहुत बारी हमें
ऐसे व्यक्ति से बात करने की जरूरत होती है जो हमसे किसी भी रिश्ते में जुड़ा ना हो, जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स टू टॉक फ्रीली। हम फ्री होके बात कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो शायद हमसे और किसी तरह से जुड़ा ना हो। जैसे मुझे डर लग सकता है कि अगर मुझे डिप्रेशन या एंग्जाइटी है तो मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मगर अगर कोई न्यूट्रल इंसान है शायद मैं उसे वो खुल के बता पाऊं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, या मैं अपने पार्टनर को कैसे बताऊं, या मैं अपने कलीग को कैसे बताऊं। तो वहां पे अगर आपको एक न्यूट्रल पर्सन चाहिए, ऑब्जेक्टिव पर्सन चाहिए, आई थिंक अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर कैन रियली हेल्प यू आउट। तो यहीं पे खत्म करते हैं। सतर्क रहिए, जानकार रहिए, दूसरों की मदद करें और मदद मांगने से प्लीज ना हिचकिचाएं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज पूछिए मुझसे। आई वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चंस जो भी आपके पास है। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। जैसे अगर अभी अब हम देखें कि अभी लोगों के जॉब भी छूट रहे हैं और लोगों के पास अपना अर्निंग सोर्सेस कम हुआ है, और हम जरूर कह रहे हैं कि नहीं भाई ये वक्त चला जाएगा और सब सारी चीजें हो जाएंगी, तो खास करके विशेष करके मैं हमारे प्रोजेक्ट के संदर्भ में बातचीत करना चाह रहे थे कि जैसे जो हमारे टीचर्स हैं वो अभी उनको लग रहा है कि स्कूल उनको पढ़ाने जाना नहीं है, और बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, वो अपने घर में देख ही रहे हैं कि मम्मी पापा का जॉब छूट गया है या उनको कम पैसे मिल रहे हैं या चीजें हैं, तो वो नाराज हैं, परेशान हैं, और एज वेल एज इसी हमारे टीचर्स भी हैं, वो पूरे दबाव में हैं, टेंशन में हैं, और वो अपना एक एग्जाइटी अलग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हम कैसे उनको ये तैयार करेंगे कि जब ये स्कूल में बच्चों को उनका स्ट्रेस कम करने के लिए बात करते हैं या हम कुछ दूसरी एक्टिविटी कराने की बात कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो और बच्चे एकदम आउट ऑफ टच भी ना हो जाएं, तो हम उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी कुछ एक्टिविटी करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चे अलग स्ट्रेस में और एज वेल एज जो हमारा टीचर स्टाफ है वो भी स्ट्रेस में है, क्योंकि जरूर हमने बोल रखा कि नहीं भैया अभी आपको जॉब नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप करिए, लेकिन बाहर जो सरकमस्टेंसेस देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि लोगों के जॉब लगातार छूटते जा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं उनके घर में, अपने भाइयों के, बहनों के, सब सारी चीजों के, और उनको भी लग रहा है कि और अगर एक दो महीने स्कूल नहीं खुला तो मे बी पॉसिबल कि हमारे लिए भी ये चांस आ जाए कि हमको कहा जाए कि नहीं भैया अब हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वो जब खुद इतने स्ट्रेसफुल है, इतना टेंशन में है, तो वो बच्चों को कैसे अपने जो हमारी बच्चियां हैं या जिनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं उनको कैसे स्ट्रेस से कम कर पाएंगे? आई थिंक मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने पहचान लिया है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होता है ये पहचानना कि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है इस बारे में कि जॉब जा सकता है, संक्रमण का डर है, इतना कुछ हो रहा है, तो आप सतर्क तो हो ही गए। अब जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जितना हम कम इस स्ट्रेस और एंजाइटी को ट्रांसफर कर सके उतना बेहतर है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अगर मेरा मन ठीक नहीं है, आज दिक्कत हो रही है मुझे, ये वो, मैं सुबह उठी, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मैंने कुछ खाया नहीं, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, मगर जैसे ही मैं ट्रेनिंग में आती हूँ मुझे वो सब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग का एक उद्देश्य है, एक विषय है जिसपे मेरे को बातचीत करनी है, चर्चा करनी है जिसके ऊपर, तो मुझे वहां पे ध्यान लगाना है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, हम उसी एंजाइटी और स्ट्रेस और तनाव में बात कर रहे हैं या हम उसे थोड़ा सा पीछे छोड़ के उनसे अलग तरह से बात कर रहे हैं ताकि वो हमसे ये ना सीख पाए। तो फर्स्ट थिंग दैट, सेकेंडली बच्चों का जो रूटीन है बिल्कुल नॉर्मलाइज करके रखें, जितना हम उनका रूटीन को डिस्टर्ब करेंगे, जैसे कि अगर हमने उनकी अगर हमें पता चल रहा है किसी बच्चे की नींद गड़बड़ा गई है या किसी बच्चे की भूख गड़बड़ा गई है या बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो जितना नॉर्मलाइज हम कर सकें उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो उसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए या कोई एक्टिविटी दे दी जाए ताकि किसी चीज में उसका मन लगा रहे, बिकॉज बच्चों को जितना हम एंगेज करते हैं उतना ज्यादा वो उनके मनस्थिति के लिए वो बेहतर रहता है। एंड स्पेशली जब हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं हमें अपनी मनस्थिति के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है और ये कोशिश करने की जरूरत है कि वो स्पिल ओवर ना हो वहाँ पे। एंड अगर हमारी मनस्थिति ठीक नहीं है तो डिवोट सम टाइम कि हम इसके बारे में सोच सकें, किसी से बात कर सकें। बहुत जरूरी होता है अपने आप को टाइम डिवोट करना, क्योंकि हम हर बार ही एक ही मेंटल स्टेट में नहीं रह सकते। बट जब हमारे को एंजाइटी या दिक्कत आ रही है उसके बारे में किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करने की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेरे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, उसको निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो जब वो हमें वेंटिलेशन मिलती है, जिसे बोलते हैं कि हमारे भावनाओं को वो एक जगह मिलती है जहाँ पे हमें उन्हें एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो बहुत एसेंशियल हो जाता है हमारे लिए। तो बच्चों के साथ जैसे आप बिहेव कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने लिए टाइम रखिए जहाँ पे आप वेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने अपनी मनस्थिति के बारे में थोड़ा सा और समझ सकते हैं और जहाँ पे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी मनस्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिवॉर्डिंग, कि अगर आपको दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिले। अगर आपको खाना बनाने में खुशी मिल रही है आप वो करिए, अगर आपको टीवी देखने में खुशी मिल रही है आप वो करिए। तो हर दिन का एक घंटा अपने आप को डिवोट करिए जहाँ पे आप वो चीज करेंगे जो आपको पसंद है। तो आप ना ही सिर्फ किसी से बात कर रहे हैं मगर अपने आप को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रीइन्फोर्स कर रहे हैं कि आप खुश रहें। सो ये दो तीन चीजें आई थिंक अगर टेक्निक्स हम अपनाएं तो काफी बेहतर हो सकता है। आई डोंट नो मैं कितना आपको सिर्फ एडवाइस से हेल्प कर सकती हूँ, बट इफ अ पर्सन उनको ज्यादातर लग रहा है कि वो उदास हैं तो देन आई वुड से सीक प्रोफेशनल हेल्प। बट अगर ये टेक्निक्स अगर आपको मदद कर रही है तो प्लीज ट्राई करिए। कोई और कोई प्रश्न करना चाहेगा? यस मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो हमारा बच्चा के रिगार्डिंग है कि जो बच्चे होते हैं तो हमने देखा है कि कुछ बच्चे बिल्कुल शांत होते हैं, बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं बोलता, वो एक्टिविटी में भाग नहीं लेता। तो ऐसे बच्चों के साथ हमको किस तरह से बिहेव करें कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े? आई थिंक जो शांत बच्चे होते हैं उनसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दो चीजें हो सकती है, या तो बच्चे का जो नेचर है वो ही शांत स्वभाव का है, या कुछ ऐसा हुआ है उसकी जिंदगी में जिसकी वजह से वो चुप चुप रहने लग गया है। तो वन ऑन वन बात करना बच्चे से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसी के लेवल पे। उससे पूछिए कि दिन कैसा गया, खाना खाया कि नहीं, घर कैसा चल रहा है, मम्मी पापा कैसे हैं, उसी के लेवल पे बात करिए। और प्लीज कॉन्फिडेंशियल रखिए, जो भी बात आप कर रहे हैं उसे गोपनीय रखिए, और गोपनीयता से बच्चों का भी आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा। यहाँ पे ये जानने की जरूरत होती है, और जब बच्चा आप देखेंगे आपसे खुल जाएगा ना, तो अगर आप उसे एक्टिविटी देंगे या किसी चीज में भाग लेने की बढ़ावा देंगे वो बच्चा वो उभर के करेगा। तो वन ऑन वन बच्चे से रिलेशनशिप बनाना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली बच्चे जो शांत स्वभाव के होते हैं। हम पे उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो ज्यादा शैतानी करते हैं, जो दिखता है हमें कि वो शैतानी कर रहा है, वो मारपीट कर रहा है, वो झगड़ा कर रहा है, हम उस पर फोकस करते हैं, मगर शांत बच्चों पे हम कभी फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव बदलेंगे और शांत बच्चे पे भी उतना ही फोकस करेंगे जितना हम एक शैतान बच्चे या बदमाश बच्चे पे कर रहे हैं, और उससे एक रिश्ता बनाएंगे ताकि उस रिश्ते से हम उसे बढ़ावा दें कि वो एक्टिविटी स्टडीज जो भी हम कर यू नो उसे बढ़ावा देना चाहते हैं वो दे पाए। तो एक इसी में था मैम कि जब कोशिश करते हैं तो ट्राई नहीं कर, वो बोल नहीं पाता है या बोलने की कोशिश ही नहीं करता, बार बार अगर टॉकिंग वन ऑन वन भी करना चाहते हैं तो बोल नहीं पाता है, या चाहे उस माने जो भी वो शर्म हो या पता नहीं क्या होता है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है।
ऐसे मैंने बहुत बच्चे को देखा है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में जब काम करते थे तो ऐसी टाइप के बच्चे बहुत सारे मिलते नंबर में। आई थिंक अगर आपको ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है कि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद भी वो खुल के बात नहीं कर पा रहा है आपसे, और आप गोपनीयता भी रखते हैं, आप ट्रस्ट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंटली उससे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसको या तो उसके पेरेंट्स से बात करिए कि घर में कैसा माहौल है, और जानने की कोशिश करिए कि क्या है, बिना बताए कि बच्चे ने आपसे क्या शेयर करा है, वो तो बिल्कुल नहीं बताना है, गोपनीयता रखनी है। गोपनीयता सिर्फ दो चीजों में ब्रेक होती है, अगर बच्चे ने बोला है कि वो किसी और को हार्म करेगा या वो खुद को हार्म करेगा, मतलब या तो वो किसी और को मारने की कोशिश कर रहा है या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये दो चीजें नहीं है तो गोपनीयता प्लीज मेंटेन करिए, बच्चे के पेरेंट्स से जानने की कोशिश करिए क्या हो रहा है, अगर आपको वहां से भी कुछ क्लू नहीं मिलता है तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को कहीं ना कहीं किसी भी संस्था में रेफर करिए, मानस फाउंडेशन में करिए या आश्रम में करिए या कहीं पे भी जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे रेफर करिए, जो लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और शायद उसको एक असेसमेंट की जरूरत हो सकती है, साइकोलॉजिकल या काउंसलिंग काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट या काउंसलिंग की। सो एक आई थिंक प्रोफेशनल विल बी एबल टू असेस मोर कि क्या, बिकॉज मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बात कर रहे हैं, मगर मुझे तभी पता चलेगा कि उस बच्चे की इंडिविजुअल लाइफ में क्या हो रहा है, तभी मैं समझ पाऊंगी उसे दिक्कत क्या आ रही है। बट अगर आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद वो नहीं बात कर रहा, देन आई थिंक प्रोफेशनल हेल्प इज नीडेड फॉर दैट चाइल्ड। दूसरा मेरा एक क्वारी था, मानस फाउंडेशन को जब हम देख रहे थे तो उसमें एक था स्कॉलरशिप प्रोग्राम करके ट्राइबल एरिया में डॉक्टर के लिए कुछ करके, जो हाई स्कूल ऊपर गर्ल्स पढ़ ली है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा क्या कि वो क्या है। तो हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एक्चुअली हम एक्चुअली ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ काम करते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, कि औरतों के लिए सुरक्षित जगहें क्रिएट करने के लिए, और उनको ये सिखाते हैं कि आदमी और औरत एकदम सामान्य और बराबर होते हैं और उनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये वहां से निकला था। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि थोड़ी चीजों हेजल एक्चुअली बात करना चाहती है। हेजल प्लीज स्टेप इन। आई थॉट कि सो मैं हेजल सिरोमनी हूँ, मैं भी मानस फाउंडेशन से हूँ, मैं वहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हूँ। तो दो मुद्दों पे मैं एक रिएक्ट करना मांगती हूँ। एक जो पहला प्रश्न था जस्ट इससे पहले स्कॉलरशिप से पहले बच्चों के बारे में, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि ऑब्जर्वेशन कई बार बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो हर एक जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, उनका एक तरीका होता है एक्सप्रेशंस का। तो जैसे अगर आप जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके साथ, वो आपको आपका जो स्किल होगा ऑब्जर्व करने का वहाँ शायद ज्यादा चाहिए होगा, कि वो खेल के टाइम पे वो उसका इंटरेक्शन दूसरे बच्चों के साथ वो कैसा चल रहा है, उस हिसाब से आप इंटरवीन कर सकते हैं कि क्या जरूरत हो सकती है, ये तय कर सकते हैं। तो मैं ये ऐड करना मांग रही थी कि थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए कि वो बच्चा में क्या डिफिकल्टी है, क्या दिक्कत आ सकती है, ना ही सिर्फ कि आपके साथ क्या इंटरेक्शन है कि वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, यू नो। तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्कॉलरशिप के बारे में जैसे वेदा बता रही थी, ये हमारा प्रोग्राम जुड़ा हुआ था IGL के साथ जो स्पॉन्सर करता है हमारे लड़कियों के लिए। तो मेनली ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए एक ड्राइव था जहाँ जो हमने दिल्ली NCR में शुरू किया था और हम होप कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में भी लेके जा सके, जहाँ पर हम लड़कियाँ 9th और 11th स्टैंडर्ड के लड़कियों को हम लोग उनकी शिक्षा में, बिकॉज हम लोग ड्रॉपआउट रेट्स बहुत देख रहे थे, बट लड़कियाँ स्कूल छोड़ रहे थे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक हमारा इनिशिएटिव था मानस फाउंडेशन का। बट ये पार्टनरशिप में रहता है 9th और 11th लड़कियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हम कर सके। और उसके बाद हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग पे होता है, स्किल बेस्ड है, कि वो
इकोनॉमिकली एम्पावर्ड रहें, वो ऐसी स्किल्स सीखें जिससे वो अपने इंडिपेंडेंट हो सकें। तो ये लड़कियों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, मगर ये कोई भी परिवार में महिलाएं या लड़कियां इसका एडवांटेज ले सकती हैं। हमने 3 एरियाज में स्किल फोकस किया था। एक तो फाइनेंशियल एरिया में कि कुछ महिलाएं नंबर्स में काफी वो थी, तो टैली जैसे उनको सिखाया जा रहा था। एक था ड्रेस डिजाइनिंग था, वो कोर्स हमने आइडेंटिफाई किया था। और सो इस तरीके से हम लोग सर्टेन वोकेशनल कोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ हम जुड़ जाते हैं जो जहाँ पर ये लड़कियां या महिलाएं इसका इस कोर्स में एडमिशन ले सकें। सो ये फिलहाल हमने दिल्ली NCR में किया था, बट हम ये दूसरे स्टेट्स में भी होप कर रहे हैं कि इसको ले जा सकें और कंटिन्यू भी कर सकें, क्योंकि ये पार्टनरशिप के बेसिस पे हम लोग ये इनिशिएट, बट ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के दायरे में है जहाँ हम स्कूल ड्रॉप आउट्स लड़कियों के लिए फोकस कर रहे थे। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। यस यस मैम, तो अगर जो प्रोजेक्ट अगर बढ़ाते हैं ट्राइबल एरिया में तो हम आपसे मैंने कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चियां जो हमारे सेंटर से निकल रही हैं उनसे उनको चाहेंगे कि अगर कुछ आपके साथ जोड़ पाए तो उनके लिए भी एक नया स्किल डेवलप होगा और उनको मौका भी मिलेगा डिफरेंट एक्सपोजर का। बिल्कुल, आप बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेदा ने जैसे ईमेल आईडी वगैरह हमारा शेयर किया हुआ है, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। आपकी क्वेरी जैसी आएगी तो जैसा हमारे प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड होते हैं या कुछ अनाउंसमेंट होता है, कुछ हमें फंडिंग मिलती है, हम इमीडिएटली उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं। प्लस आपको वेबसाइट पे भी ज़रूर दिखेगा, ये हम ज़रूर इसको अनाउंस करेंगे। हमारा एज अ फाउंडेशन हमारा फोकस बहुत है इस एरिया में कि हम इसको एक्सपैंड रियली करना चाहते हैं। आई एम होपिंग कि ये हो सके और ये जरूर हम सो आप जरूर टच में रहिएगा हमसे। ओके थैंक यू मैम। कोई और प्रश्न है किसी के पास? एक क्वेरी है मैम। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक क्वेरी था। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैम एक हम जहाँ इम्पैक्ट के साथ में काम कर रहे हैं और ज्यादातर काम जो है वो बालिकाओं के साथ में है, एक हम ये महसूस कर रहे थे कि इन 3 महीनों में लॉकडाउन के दौरान जो एडल्ट ग्रुप है वो भी काफी घर पे रहा है और बच्चे भी घर पे रहे हैं, और एक जो बॉन्डिंग रिलेशनशिप है टीचर्स मतलब इंस्ट्रक्टर और बच्चों के बीच में, ये हमेशा जिस तरह से क्लास में जो टीचिंग मेथड रहा है, बच्चों को खेल खिलाने के मेथड रहे हैं, कई सारे एंटरटेनमेंट के तरीके रहे हैं, उसमें टीचर और बच्चा बहुत पास पास में रहते हैं, और अभी चूंकि कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक तो हमने एक परिभाषा दे दी कि सामाजिक दूरी रखें, जिससे मैं कभी सहमत नहीं हुआ, मेरा मानना है ये भौतिक दूरी है सामाजिक दूरी नहीं है, तो एक मेंटली घुस गया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, जबकि मुझे लगता है ये फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें वो ज्यादा कावत चरितार्थ है। तो क्या हुआ है कि एक तो सामाजिक दूरी बनाए रखें, दूसरा मास्क लगाए रखें, इन दोनों परिस्थिति के अंदर हम देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टीचर थोड़ा थोड़ा गांव में जाएं, फैमिली से संपर्क करें और बच्चों से भी संपर्क करें, कोशिश करें 3-4-5 बच्चों को एक जगह बिठाएं और उनसे कुछ डायलॉग शुरू करें। तो इस बीच में मुझे ये लग रहा था कि क्या ये जो सामाजिक दूरी वाला कंसेप्ट है और मास्क लगाए के रखना, मान लीजिए 5 बच्चों को भी क्लासरूम में बिठाया, टीचर को भी मास्क लगा के रखना है, बच्चों को भी मास्क लगा के रखना है, और हमें 2 गज की दूरी भी मेंटेन करने की रखी है, तो ये जो तरीके हैं, क्या एक बच्चे और टीचर और टीचर और फैमिली के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको प्रभावित करता है, मतलब तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या तरीके अपनाएं कि वो बॉन्डिंग को ज्यादा प्रभावित ना करें। रोज आलू भी खा रही हूँ, 2 दिन चिकन खाने के बाद। तो हमारे क्या ऐसे तरीके हो जिससे बॉन्डिंग टीचर बच्चे और टीचर के बीच में ज्यादा प्रभावित ना हो और एक अच्छा कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बनी रहे। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्लासरूम में अगर हम दूरी बना भी रहे हैं तो हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ टीचर के तौर पे नहीं
बट एक यू नो एडल्ट एंड सपोर्ट के तौर के तौर पे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है, उनको कैसा लग रहा है, ये संक्रमण की वजह से उनके मन में कैसे विचार आ रहे हैं. तो नॉट जस्ट अ टीचर बट ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड, कि समझ पाए कि वो क्या समस्याओं से वो भी जूझ रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये है, अगर कोई बच्चा कोई ऐसी चीज बोलता है जिससे आपका ध्यान आकर्षित होता है कि मतलब उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, घर में दिक्कत हो रही है, घर में आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि शायद इस बच्चे से हमें प्राइवेटली बात करनी है. प्राइवेटली भी अगर आप दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई खाली कमरा मिलता है जहाँ पे आप दूरी भी मेंटेन कर सकें और गोपनीयता भी रख सकें, वो बेस्ट होता है. प्लीज कभी भी बच्चे को दूसरे बच्चों के सामने या दूसरे एडल्ट के सामने अपने विचार, अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए ना बोले, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग हो सकता है. एंड कॉन्स्टेंटली कीप अ मेंटल हेल्थ चेक. आई थिंक एक चीज होती है मूड चार्ट जो हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा. आपने व्हाट्सएप पे इमोटिकॉन्स देखे होंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम उन इमोटिकॉन्स को, उन जो स्माइलीज को हम डाउनलोड कर, हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, हम एक चार्ट पेपर पे, बड़े से चार्ट पेपर पे लगा देते हैं और हम सारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस लिख देते हैं कि ये जेलसी है, ये एंगर है, ये इरिटेशन है, ये सैडनेस है, ये हैप्पीनेस है. तो हम मूड चेक करते हैं हमेशा. तो हम बच्चों को बोलते हैं आज कैसा लग रहा है, कौन सा स्माइली है. तो हम पूछते हैं कि अच्छा, एक बच्चे को शायद हैप्पी लग रहा है, एक बच्चे को शायद एंग्री लग रहा है. तो मेंटल हेल्थ चेक-इन्स करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मूड चेक-इन्स करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में जानना और बातचीत करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो अगर हम थोड़ा सा मिलजुल के बच्चों के साथ काम करें, इवन एज टीचर्स, आई थिंक इट बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज आपका, आप खुद भी देखेंगे आपका बॉन्ड कितना ज्यादा बेहतर हो रहा है उसके बाद. सो ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो आप यूज करते हैं. मूड चेक-इन्स हो सकते हैं, बातचीत करना, बच्चे के साथ गोपनीयता मेंटेन करना, दीज रियली हेल्प चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी इंप्रेशनेबल, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट करेंगे और आप ग्रोथ भी बहुत जल्दी देखेंगे. अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, द चाइल्ड विल ग्रो फ्रॉम दैट प्रॉब्लम एंड लर्न फ्रॉम इट. Veda, so, can I just add to what you said? मैं बात करूंगी जो non mental health के related है. It's more academic. आपने जो सवाल किया है कि बच्चा और टीचर का engagement जो है वो बहुत different हो चुका है. ये obstacle के तौर पे दिख रहे हैं, because हम जब बच्चे के साथ interact करते हैं as a teacher, जो दूरियां नहीं रहती हैं, एंड वो इंगेजमेंट जो हमारा रहता है वो बहुत ही इट्स मोर इंटरैक्टिव. मगर अब ये मास्क भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, तो वो एकदम दिख रहा है कि गैप हो रहा है और उसको इंटरैक्शन को कैसे कर सकते हैं. इस वक्त बहुत सारे टीचिंग स्ट्रेटजीज या इंटरवेंशंस, एक तरीके का इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हमने ये कभी पहले कभी ना सोचा था ना प्रैक्टिस करा है. तो एज अ टीचर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका जो फ्लिप साइड ऑफ कॉन्सिक्वेंस है कि अगर इन्फेक्शन हो गया, यू नो, वो जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है. सो हमको अपना वे ऑफ लिविंग में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मुश्किल है. यू नो, इस वक्त मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ. मैं भी जब अगर क्लासरूम में जाती हूँ, जिस तरीके से मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी, आज मैं वैसे नहीं कर सकती हूँ. एक तो वो मास्क है, ऊपर से डिस्टेंस है और बहुत दूर से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, ऊपर फिर ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वो हमको वो दिख रहा है कि ये डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट फिजिकल डिस्टेंस, बट देर आर डिफरेंट वेज कि हम बच्चों के साथ कैसे उनको इंगेज करके रखें और इंटरैक्टिव बना सकें. जो वेदा ने आपको टेक्निक्स बताए हैं वो कंटिन्यू रखें, कि बच्चे को इंगेज कॉन्वर्सेशन रहे, उसको नहीं लगना चाहिए, उसको नहीं महसूस होना चाहिए कि अब ये यू नो इतना गैप हो गया है. थोड़ा मुश्किल है बट इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा.
एंड इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग जो आपको बार बार हम लोग सब अब न्यू नॉर्मल की बात करते हैं कि हमारा तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, वो हमको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज को। तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कंफर्ट आने लगेगा, ये एक तरीका बन जाएगा जो हम लोग यूज टू हो जाएंगे। आई होप आई लाइक टू ऐड समथिंग टू इफ देयर इज इनफ टाइम। यस यस प्रणाम्या कंटिन्यू। दो चीजें आपने जो मेरे दिमाग में आई जो आपको हेल्प कर सकती हैं, वन इज कि आपको और आपके साथ आपके बच्चों को भी थोड़ा अटपटा लगेगा दिस अलग अरेंजमेंट, मास्क पहना है सबने, दूर दूर बैठे हैं, सो फिजिकल डिस्टेंस तो है लेकिन ये फिजिकल डिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इमोशनल डिस्टेंस सिम्बलाइज करता है। हम अपने आप मान लेते हैं कि ये थोड़ा अजीब है, दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। सो आप अपनी क्लास के अंदर ये एक्नॉलेज कर सकते हैं, आप बच्चों से इस चीज़ के बारे में बात करिए, ये एड्रेस करिए कि अभी थोड़ा अजीब है ना, या अभी हम सब ने मास्क लगाया हुआ है, सब दूर दूर बैठे हैं, कैसा लग रहा है, यू नो। सो क्लास में उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, दैट कुड बी हेल्पफुल। बच्चे आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, एंड देन यू कुड देन क्लैरिफाई कि यू नो इसका मतलब ये नहीं, अभी भी थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन ये इसलिए आया है लाइक वेदा सेड कि एंड लाइक हेजल सेड कि यू नो हम लोग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो चीज़ें थोड़ा पर्सपेक्टिव में बच्चों के लिए आ जाएंगी। एंड सेकेंडली जो सेंस मुझे आया वो ये भी था कि पहले हमारा लाइक बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारे नॉन वर्बल्स बहुत तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। पहले हमारा कम्युनिकेशन जो क्लासरूम में रहता था और एक दूसरे के साथ रहता था, इट यूज टू बी उसमें नॉन वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी रोल था, जो कि अब रिस्ट्रिक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो हमको बहुत चीज़ें हैं जिनको बहुत एक्सप्लिसिटली लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आप अगर अदरवाइज किसी बच्चे को जाके साइड में शोल्डर पे हग करोगे एंड बच्चे को अपने आप पता चल जाएगा कि ओके दे आर ट्राइंग टू आस्क मी हाउ आई एम, या मुझे थोड़ा कम्फर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपको वही चीज़ वर्बली करनी पड़ेगी। So you have to talk about it. आपको उनसे पूछना पड़ेगा, like Veda was saying, mental health checks अब important हो गया verbally. So I think in that sense, अगर आप पूछें कि आपकी methodology कैसे change रहे और आपका bond same रहे, so a lot of things जो आप non-verbally करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो अब आपको verbally करना पड़ेगा. So you're going to have to develop a language for mental health, talking about mental health. Yeah. I think that's very important, you know, to develop that language and to ensure कि आप उसी language में बच्चों से बात कर रहे हो, so that you know they also understand कि हाँ अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो इनके पास safe है, ये किसी को बोलेंगे नहीं। So you know that aspect where you were talking about वो trust build करना और वो ensure करना कि हम बच्चों की बात को सबको बताए ना, वो secret कहीं ना कहीं रखना बहुत जरूरी है। I would request the team to, if you have any concluding statement to share, so that next we can just take up, because I am important से हम लोग बहुत जल्दी बच्चों पे चले गए, because हम सब you know education में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, तो ऐसा कोई session नहीं होता है जहाँ teachers और बच्चों की बात ना करें और सिर्फ अपने तक ही उसको limited रखें। I think just conclusion from my side would be that please be aware of your mental health. अपने मनस्थिति के बारे में थोड़ा सा सचेत रहिए, सतर्क रहिए, देखिए कि आपकी भावनाएं, सोच, व्यवहार बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं तो उनका क्या कारण है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक जरिया ढूंढिए, वो कोई ट्रस्टेड अडल्ट हो सकता है, एक काउंसलर हो सकता है, एक परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन योर लाइफ। एंड बिल्कुल भी हेल्प सीकिंग में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना अभी इस समय पे, स्पेशली बिकॉज ये इतना ज्यादा पर्टिनेंट गंभीर समय चल रहा है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं सबको, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की आई मीन स्टैटिस्टिक्स आर राइजिंग। And I can tell you that as a professional myself, I am getting more cases. Pranamya might be getting more cases. People are going through a lot of difficulty. So इस समय पे बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, because ये समय सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए नहीं मुश्किल है, सबके लिए ही है, और सब ही help seeking behavior कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मदद,
और मदद लेने में हिचकिचा नहीं रहे हैं. सो आई थिंक दैट वुड बी माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट राइट नाउ कि अगर आपको दिक्कत आ रही है प्लीज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड वी विल बी अवेलेबल एट व्हाटएवर यू नो एट व्हाटएवर कैपेसिटी वी कैन बी. आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग दैट हेल्प यू नो वेदा. एंड डेफिनेटली कभी ना कभी लाइफ में वो पॉइंट होता है जब हमें इस तरह की हेल्प की जरूरत है, बट आई फील अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है जहाँ हम लोग सभी किसी ना किसी एस्पेक्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं. तो इवन आई फील आई कंप्लीटली अग्री कि हेल्प लेने से ना हिचकिचाएं. यू नो वी आर ऑल हियर फॉर ईच अदर, तो वो और हमारे फैमिली भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं वी शुड बी ओपन टू हेल्प. एनीथिंग बाय यू प्रणम्या, Hazel, Pranamya, if you would like to add on to something and we can, you know, just have a concluding statement from you also, please. I think everything's covered and very interestingly you said that even though ye jo session hai, ye trainers or teachers ke liye hai, we don't take time in switching to talking about children and whenever you ask. So self-care, that is very important. Yes. And yeah, ek aisa space bhi hona chahiye jahan aap teachers nahi hai, jahan aap normal, like not normal but like you are regular people, not teachers, and you're talking about yourself. Aap apni life ke bare mein baat kar rahe hain, you're not in that role. Sometimes wo role break karna zaruri hota hai and that's enough for self care. Absolutely self care, khud ko samay dena, khud ko as an individual treat karna bahut zaruri hai, jo sabse zyada miss karte hain hum log na, wo kal nahi aa pata jab hum bole ki aaj, you know, aaj main ye karungi. हम हमेशा यही बोलते हैं हम कल से करेंगे. सो आई थिंक आज हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हम आज से ही अपने आप को एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा समय देंगे, वो करें जो हमें अच्छा लगता हो, जो हमें खुशी देता हो. Hazel, over to you if you would like to please add on to just to echo what everybody has said. आप ठीक रहेंगे, खुद हम ठीक रहेंगे तो हम यू नो वील टेक केयर ऑफ अदर्स टू. मगर अगर हम लोग अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, we won't be able to impact or you know bring about the change or help anybody else. So self care bahut zaruri hai. Thank you. Bilkul. I think you know pure impact ki team ki taraf se aapki entire team ko, Veda ko, Pranamya ko, Hazel ko, you people are excellent. You know, I think you are excellent as an individual as well as a team and great professionals. Thank you so much. You know, I just hope we interact more. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेल के थ्रू हमें अपडेटेड रखिए. वी विल ऑल्सो शेयर दिस यू नो द रिकॉर्डिंग एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस एंटायर टॉक शो विद यू. सो एटलीस्ट ऑन मेल एंड यू नो प्लीज कीप इन टच. प्लीज यू नो लेट अस नो व्हाटएवर प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स इफ यू हैव, इट विल बी रियली नाइस कि किसी पॉइंट पे हमारे बच्चे और टीचर भी आपके साथ कनेक्ट हो सके. यू नो बिकॉज अभी हमारी एक टीम बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव टीम यहाँ आपके साथ है, बट हमारी यू नो बिगर ऑडियंस, बिगर टीम जिनको आपकी बहुत जरूरत है, वो अभी थोड़े से डिस्टेंस पे है. तो वहां तक पहुंचने के लिए इट विल बी नाइस अगर हम लोग कनेक्टेड रहे तो. एंड मैं अपने पूरे इम्पैक्ट के स्टाफ से भी यू नो रिक्वेस्ट करूंगी, पार्टनर एनजीओज भी है हमारे साथ, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार कैमरा ऑन करके हम सब मानस फाउंडेशन की टीम को एक बार सब मिलकर थैंक यू बोल दें प्लीज. Thank you so much for giving us the platform to talk about mental health. Thank you so much. Shimran.